गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ऑडियो वीडियो सभी को क्लियर आ रहा है? ऑडियो वीडियो सभी को क्लियर है? ठीक है क्लास, एक बार ऑडियो वीडियो कंफर्म कर दें। वॉइस सब ठीक आ रही है? इको वगैरह तो नहीं हो रहा, जिससे कि क्लास के बीच में कोई डिस्टरबेंस ना रहे। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ओके, तो आज हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 4। एक टॉपिक क्रोमोसोमल डिजीज और जेनेटिक डिसऑर्डर, वो चैप्टर हमारा इसके बाद आएगा। जेनेटिक डिसऑर्डर एंड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर इसके बाद का है वो। अभी हम बात करेंगे ह्यूमन बॉडी रिलेटेड, मतलब चैप्टर नंबर 4, दैट इज ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी ये हमारा टॉपिक है। फिजियोलॉजी में फर्स्ट टॉपिक हमें पढ़ना है ह्यूमन डाइजेस्टिव, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी का क्या मतलब है? हमारी बॉडी के बारे में। फॉर एग्जाम्पल, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे वर्क करता है? सर्कुलेटरी सिस्टम मीन्स हार्ट एंड ब्लड। नर्वस सिस्टम कैसे वर्क करता है? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स। डाइजेस्टिव सिस्टम में माउथ से लेकर एनस तक जितने पार्ट आ रहे हैं उनका क्या फंक्शन है? तो ह्यूमन फिजियोलॉजी का मतलब है अब हमारी बॉडी के जो सिस्टम है, ऑर्गन्स वगैरह हैं, उनकी फंक्शनिंग। हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं, जो पार्ट्स हैं, जो सिस्टम वर्क कर रहे हैं, उनके बारे में। फर्स्ट इज ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहले देखो इसमें क्या क्या आता है। डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहले इंजेशन, इंजेशन का मतलब है फूड का इंटेक करना। इंजेशन वर्ड का मतलब है फूड का इंटेक करना। इंजेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है उसका ब्रेकडाउन। जो खाया उसमें से कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस हैं उनको ब्रेक होना। डाइजेशन के बाद फिर वर्ड आता है एब्जॉर्प्शन, कि जो सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक किया है उसके बाद बॉडी उसको एब्जॉर्ब करेगी। तो इंजेशन मतलब फूड इंटेक, उसके बाद उसमें जो कॉम्प्लेक्स चीजें हैं उनका ब्रेकडाउन, डाइजेशन, इसके बाद एब्जरप्शन। एब्जरप्शन के बाद आता है एसिमिलेशन, एसिमिलेट होना, मिक्स होना, एसिमिलेशन होना। और एसिमिलेशन होने के बाद लास्ट स्टेप आती है वेस्ट का एक्सक्रीट होना। लास्ट स्टेप है वेस्ट का एक्सक्रीट होना, मतलब इजेशन। ये 5 स्टेजेस हैं टोटल, ये 5 स्टेजेस होती हैं। एक बार देखिए इसमें, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हम बात करेंगे सबसे पहले इंजेशन। इंजेशन का मतलब फूड का इंटेक। उसके बाद डाइजेशन। डाइजेशन वर्ड का क्या मतलब होता है? डाइजेशन का मतलब है ब्रेकडाउन ऑफ, इसका मीनिंग है ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस, ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस इनटू सिंपलर वंस। एग्जाम्पल, तो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस आप क्या खा रहे हो? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जैसे कि प्रोटीन। ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस इनटू सिंपलर वन, लाइक एग्जाम्पल प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड, प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड्स। फैट आपने खाया, फैट को ब्रेक करना किसमें? जिस चीज से फैट बना है, फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरोल्स। कार्बोहाइड्रेट्स इनटू
सिंपल शुगर, सिंपल शुगर का मतलब मोनोसैकराइड डाइसैकराइड, मोनोसैकराइड्स डाइसैकराइड्स। देखो तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेशन जो ये पूरा हमारा जो प्रोसेस है किस तरह चलता है, पहले इंजेशन, फूड हम इंटेक करेंगे, फूड इंटेक करने के बाद वो डाइजेस्ट होगा, डाइजेस्ट होने के बाद सिंपल सब्सटेंस में टूटेगा। डाइजेशन का मीनिंग कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस को सिंपलर वन में ब्रेक करना, मींस प्रोटीन का ब्रेक डाउन इंटू अमीनो एसिड, फैट का ब्रेक डाउन इंटू फैटी एसिड एंड ग्लाइसरोल, कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन इंटू मोनोसेक्राइड एंड डाइसेक्राइड, सिंपल शुगर। तो क्या मीनिंग हुआ, डाइजेशन का मतलब होता है प्रोटीन को अमीनो एसिड में ब्रेक करना, फैट का डाइजेशन मीनिंग फैटी एसिड एंड ग्लाइसरोल में ब्रेक करना, कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन डाइजेशन मतलब उसका मोनोसेक्राइड या डाइसेक्राइड में ब्रेक होना, डाइजेशन का मीनिंग ये होता है। और कार्बोहाइड्रेट में भी कौन सा वाला ब्रेक होगा, इसमें कॉम्प्लेक्स वाला, सिंपल में तो कॉम्प्लेक्स का मतलब पॉलीसेक्राइड। अब आसानी से सारी चीजें समझ आ रही होंगी जो आपने बेसिक पढ़े हैं, पॉलीसेक्राइड। तो डाइजेशन में कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस का ब्रेक डाउन सिंपल वन, प्रोटीन अमीनो एसिड में ब्रेक होगा, फैट फैटी एसिड एंड ग्लाइसरोल में ब्रेक होगा, कार्बोहाइड्रेट मोनोसेक्राइड डाइसेक्राइड में ब्रेक होगा, कार्बोहाइड्रेट या पॉलीसेक्राइड। एक पॉइंट मैं आपको क्लियर कर दूं, एसएससी जेई वाले में हिस्ट्री आपका मॉडर्न इंडिया चल रहा है, एंशियंट, एक बच्चे का मैसेज आया मेघदूतम एक बुक को लेकर, मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं, स्टेट पीसीएस बैच में भी हो चुका है और आपके एसएससी वाले में भी हो चुका है। मेघदूतम एक बुक के लिए एक बच्चे का डाउट आया, तो आपको भी सबको जानना चाहिए क्या डाउट है। वो बच्चा कह रहा है कि सर हमारी क्लास हुई है, हमें बताया गया है कि मेघदूतम एक लव स्टोरी है, और आपने जब पढ़ाया था पहले कभी तो आपने नोट्स दिए हुए हैं, उसमें आपने लिखा है नेचर के बारे में कुछ है। एक्चुअली मैंने पढ़ाते समय यह बताया था मेघदूतम लव स्टोरी है, उसमें रेनी सीजन के टाइम पे एक जो पर्सन है वो क्लाउड के माध्यम से कहता है कि ये मेरा मैसेज लेकर जाओ उसकी जो लवर है उसके लिए। क्लाउड को बोलता है रेनी सीजन में, उस मौसम के हिसाब से कहता है क्लाउड को कि ये मैसेज ले जाकर उसकी जो लवर है उसको पहुंचाए। तो पूरी कहानी को जानने की जरूरत नहीं थी, नेचर रिलेटेड लव स्टोरी और नेचर का रोल उसमें। तो ये पूरी बात अगर जानना है तो ये हम कंफ्यूजन ना रखें, आप सर ने लाइव लव स्टोरी बताया बिल्कुल ठीक बोला हुआ है। मेघदूतम बुक को लेकर बच्चे का मैसेज आया कि सर लव स्टोरी लिखवाया है उन्होंने, आपने नेचर वर्ड लिखा था, तो मैं वहां ये लिखवा रहा था कि क्लाउड एक मैसेंजर की तरह काम करे और मेरा ये मैसेज लेकर उस तक जाए, इसके बारे में ये कहानी है। तो उतना जानने की जरूरत नहीं थी लव स्टोरी, या यहाँ पे क्लाउड वगैरह का जिक्र आता है, रेनी सीजन क्लाउड इसका जिक्र आता है उस बुक में, ये मैं बोल रहा था। और हिस्ट्री की पीडीएफ मैंने एक कॉपी और अपलोड करा दी है, ऐसा नहीं कि अलग अलग नोट्स हैं, एक कॉपी और अपलोड करा दी है। कुछ लोग प्रिंट को कह रहे थे कि प्रिंट निकालने में डार्क आ रहा है, तो मैंने एक कॉपी और अपलोड कर दी है पीसीएस बैच में भी, एसएससी वालों की भी। कुछ लोग कह रहे थे प्रिंट निकाल रहे हैं तो पीडीएफ डार्क आ रही है, तो मैंने एक कॉपी और अपलोड कर दी है, उसमें साउथ इंडियन हिस्ट्री भी ऐड कर रखे हैं पेजेस, साउथ इंडियन हिस्ट्री भी उसमें ऐड कर रखे हैं पेजेस पीछे देखोगे, और बाकी क्लियर प्रिंट निकालना हो तो वो भी देख सकते हो आप, तो कन्फ्यूजन ना रहे कोई। जो मैंने कॉपी अपलोड कराई है हिस्ट्री की एक, और उसमें दो तीन पेजेस लास्ट में साउथ इंडिया हिस्ट्री, एक तो ये एडिशनल दिख जाएगा, बाकी प्रिंटआउट की जिनको दिक्कत थी वो उसको यूज कर सकते हैं, है कंटेंट दोनों वही, कंटेंट वही बात है। और एक कॉपी मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री, जो आगे सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री होना है, उसके पीडीएफ डाल दी है। फिजिक्स केमिस्ट्री जनवरी फरवरी में एक बैच हुआ था इस साल में, उसके नोट्स हैं उस बैच के, फिजिक्स केमिस्ट्री की पीडीएफ भी डाल दी है, जिसको जरूरत हो निकाल सकता है, वो इस साल के जनवरी बैच के नोट्स, जनवरी फरवरी के आसपास हुआ था। हिस्ट्री जो मैंने कराया था वो लगभग वही फरवरी मार्च के आसपास हुआ था बैच। जीके करंट अफेयर की एक पीडीएफ अपलोड की है, वो मार्च अप्रैल बैच का है, जीके करंट अफेयर की एक कॉपी है मार्च अप्रैल बैच का, क्योंकि कई लोगों को पीडीएफ पहले ही चाहिए, तो मेरी तरफ से पीडीएफ कई सारी अवेलेबल है, क्लास तो करानी ही है, तो उसमें कोई कंफ्यूजन ना रखें। अपने से कोई पहले से पढ़ना चाहे कि सर मुझे पहले से कोई एग्जाम देना है, एक हफ्ते बाद नोट्स चाहिए, तो मेरी तरफ से अवेलेबल है, बाकी बैच आपका होगा तो समय समय पर सारी चीजें चलेंगी ही। ठीक है, डाइजेशन की बात हो गई, डाइजेशन के बाद आता है एब्जॉर्प्शन। आपने कॉम्प्लेक्स चीज को सिंपल में ब्रेक कर दिया,
कॉम्प्लेक्स वाले को सिंपल में ब्रेक कर दिया। आप लोगों के बैच के फोल्डर में डलवा दिए हैं नोट्स, फिजिक्स केमिस्ट्री के भी, जीके करंट अफेयर के भी और हिस्ट्री वाले, क्योंकि प्रिंटआउट की समस्या आप लोग बता रहे थे। दूसरा, उसमें साउथ इंडियन हिस्ट्री के 2-3 पेज हैं जो पहले वाली पीडीएफ में नहीं पड़े हुए थे, तो एडिशनल 2 ही 3 पेज है, बाकी कंटेंट पूरा वही है। और डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन, तो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल में ब्रेक किया और सिंपल वाला फिर बॉडी एब्जॉर्ब कर लेगा, सिंपल वाले को बॉडी एब्जॉर्ब कर लेगा, फिर ये एसिमिलेशन होगा, मिक्सिंग, और फिर जो खाली बचेगा बॉडी में वेस्ट मैटर वो बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएगा, इजेशन हो जाएगा, बॉडी से बाहर होगा। क्लियर है? नोट्स वगैरह जो मैं डाल रहा हूँ उसमें कन्फ्यूजन वगैरह तो नहीं हो रही आप लोगों को? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? नोट्स वगैरह से कन्फ्यूजन तो नहीं कोई हो रही है ना? उसमें लिख भी रखे हैं किस बैच के नोट्स हैं, उल्टा मुझे लग रहा है कि आपके लिए हेल्पफुल होंगे इसलिए मैंने डाले हैं। जीके करंट अफेयर के जो वीडियो डलवाए हैं त्रिवेंद्र, वो स्टैटिक पोर्शन है, जैसे एक टॉपिक है नेशनल सिंबल, फ्लैग के बारे में, एम्बलम के बारे में, आप चाहो तो देखो, आप चाहो तो देख सकते हो, क्योंकि जब पढ़ाऊंगा तो वही टॉपिक आएगा फिर से, डिटेल में कराए थे मैंने वो सब, नेशनल सिंबल कुछ ही टॉपिक है पर वो पूरी जीएस थोड़ी है। जीके करंट अफेयर आपका 50 आवर्स से ऊपर का सब्जेक्ट है, थोड़े से लेक्चर जनरल टॉपिक का डलवा दिए हैं उसमें। अभी सीजीएल का पेपर बच्चे दे रहे हैं उनके लिए भी हेल्पफुल है, सीजीएल का पेपर जीएस का है, सिंपल पेपर है, पीडीएफ में कितना कुछ पढ़ा रखा है मैंने। राहुल सर के नोट्स बना रहे हैं, अच्छी बात है, मैंने अपनी तरफ से भी प्रोवाइड कर दिया है, कहीं कोई लाइन देखना चाहो मैच कर सकते हो, नोट्स बना रहे हैं अच्छी चीज है, कहीं कुछ ऐड करना चाहें पलट के देख सकते हैं एक बार, 2-4 पॉइंट आपको मिल ही जाएंगे। राहुल सर वाली क्लास से भी 90-95% दोनों सेम मैच कर जाएगा, 5% पॉइंट कुछ नए हो सकते हैं, तो कंटेंट और बढ़ने के लिए दे रखा है, तो 2-4 पॉइंट एक्स्ट्रा भी देख सको। ठीक है, ये बात हो गई। अगला पॉइंट, अब सबसे पहले हम बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम में इन्वॉल्व है कौन सा पार्ट, कहां पर होता है ये? डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल में होता है, इट टेक्स प्लेस, डाइजेशन टेक्स प्लेस, या इसको ऐसे लिख दो, डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल इज इन्वॉल्व, एलिमेंट्री कैनाल इज इन्वॉल्व। एलिमेंट्री कैनाल में क्या आ जाता है? माउथ से लेकर एनस तक का रूट, एलिमेंट्री कैनाल में डाइजेशन होता है, इसमें आ जाती है माउथ से लेकर एनस तक का पूरा रूट, कि फूड कहाँ से कहाँ मूवमेंट हो रहा है सारा रूट। सबसे पहले क्या आएगा? माउथ आएगा, सबसे पहले माउथ, माउथ के बाद फूड कहाँ जाएगा? माउथ के बाद जाएगा फूड पाइप में। एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या चीजें आती हैं? सबसे पहले माउथ, उसके बाद जाता है फूड पाइप, फूड पाइप को ही ऑइसोफेगस कहते हैं, फूड पाइप को ही हम ऑइसोफेगस के नाम से जानते हैं। फूड पाइप के बाद आता है स्टमक, इसके बाद जाता है स्टमक में, स्टमक के बाद जाता है कहाँ? स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन की ही जो ओपनिंग होती है उसको एनस बोलते हैं, जहां से वेस्ट मैटर बाहर होता है, वेस्ट मैटर जहां से बाहर होता है। ठीक है, तो एलिमेंट्री कैनाल माउथ से शुरू होके फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन तक जा रही है, और लार्ज इंटेस्टाइन ओपन होती है एनस में जाकर, लार्ज इंटेस्टाइन की ओपनिंग होती है एनस में, लार्ज इंटेस्टाइन यहां खत्म होती है एनस। ये देखो माउथ, फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ब्रेकडाउन किन चीजों का, ये क्लियर? एक पॉइंट है यहां लिख रखा है लीवर, जो वेस्ट मैटर बॉडी से रिलीज हो रहा है,
यूरिया वगैरह जो बोलते हैं, बॉडी से जो वेस्ट निकल रहा है, लीवर प्रोड्यूस करता है यूरिया। एक पॉइंट यहाँ नोट कर लो, लीवर प्रोड्यूस करता है यूरिया एंड कोलेस्ट्रॉल। लीवर कई सारी चीजें प्रोड्यूस करता है, यूरिया जो वेस्ट बन रहा है यूरिया प्रोड्यूस करता है, कोलेस्ट्रॉल भी प्रोड्यूस करता है। लीवर यूरिया भी प्रोड्यूस करता है, कोलेस्ट्रॉल भी प्रोड्यूस करता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, कोलेस्ट्रॉल बॉडी में कौन बना रहा है? लीवर बना रहा है। यूरिया कौन बना रहा है? बॉडी वेस्ट है यूरिया, ये भी यही बना रहा है। ठीक है, तो एनस जो है लार्ज इंटेस्टाइन की ओपनिंग है, ये जहां खत्म होती है वो एनस है, यहीं से वेस्ट मैटर बाहर निकल जाएगा। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में ये पूरा कहां से कहां तक का रूट इन्वॉल्व है? माउथ से शुरू हो रहा है और माउथ के बाद फूड पाइप जिसको आइसोफेगस कहते हैं, फिर स्टमक में, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, ये रूट है पूरा, पूरा रूट ये है। इसी रूट को हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। ये जो रूट है माउथ से लेके लार्ज इंटेस्टाइन, इसी को हम कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल। इस रूट को कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। फिजिक्स केमिस्ट्री जो नोट्स आपको दिए हैं वो एज इट इज पूरा पढ़ना है, क्योंकि 10th लेवल तक का फिजिक्स केमिस्ट्री आपका बीपीएससी में भी आएगा, एसएससी जेई में भी क्वेश्चन आते हैं, फिर आपका पेटेंट वाला एग्जाम में भी लिख रखा है सिलेबस, तो 9th 10th दोनों कवर्ड हैं उसमें, एनसीईआरटी रेफरेंस है, 10th तक की साइंस है, वो नोट्स आपके पूरे पूरे काम आने हैं। जीके करंट अफेयर जो उसमें नोट्स देखोगे, स्टैटिक जीके के भी पॉइंट लिख रखे हैं, इंडिया में पहले किसने क्या किया था, कौन से टूर्नामेंट में कौन सा अवार्ड होता है, कौन किस खेल से संबंधित है, फेमस स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी कौन है, डिफेंस में वेपन्स कौन कौन से हमारे पास, इसरो के प्रोग्राम कौन से हैं, नासा के प्रोग्राम कौन से हैं, वो कॉपी एक बार पलटोगे जीके करंट अफेयर वाली, उसमें स्टैटिक जीके भी खूब दिया हुआ है जो आपको क्वेश्चन के लिए परेशानी होती है। तो जीके करंट अफेयर मुझे ही पढ़ाना है, मेरे ही नोट्स हैं, एज इट इज काम आ जाएगा। फिजिक्स केमिस्ट्री मुझे कराना है, पूरा काम आएगा। हिस्ट्री राहुल सर ने पढ़ाया है, साथ साथ आपने नोट्स बनाए हैं, बहुत अच्छी बात है। उनके नोट्स के अलावा आप मेरी वाली कॉपी को पलट सकते हो एक बार, कुछ एडिशनल पॉइंट मिले तो जोड़ सकते हो। अल्टीमेटली एग्जाम क्या है, इन्फॉर्मेशन का गेम है, दो चार पॉइंट भी एक्स्ट्रा मिल गए और एग्जाम में आ गया तो काम बन जाएगा। तो ये तो अच्छी बात है कि दो टीचर का डाटा आपके पास, फिजिक्स हिस्ट्री पॉलिटी दोनों में अवेलेबल है, उनके नोट्स अगर बनाए हैं तो भी अच्छा है, या मेरे वाले से प्रिंट आउट निकाल के उनका पॉइंट जोड़ लो तब भी ठीक है। अल्टीमेटली दोनों का इन्फॉर्मेशन ऐड हो जाए तो कंटेंट अपने आप इन्हेंस हो जाएगा, और इतना कवरेज इन सब्जेक्ट में किसी ने भी नहीं कराया होगा। आपके एग्जाम के हिसाब से जब आप प्रीवियस ईयर देखोगे, इतना कवरेज किसी ने भी नहीं कराया होगा, एक साथ पूरा टू द पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड मिले जो, और जितना कंटेंट है उन्होंने कराया या मैंने कराया, सीधा सीधा एग्जाम ओरिएंटेड है, पेपर में से डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे। पेपर बहुत टफ भी आ जाए, 50 में से किसी के 30 भी ना बने, तो भी आप कम से कम 35 बना के आओगे, इतना जरूर कह सकते हैं। पर पढ़ना पड़ेगा, शॉर्टकट कुछ नहीं है। आप लोगों का जेई का बैच तो बहुत पहले शुरू हो गया था, स्टेट पीसीएस वाला बैच भी पहले शुरू हो गया है, अब आप ये एक्सक्यूज नहीं है कि टाइम नहीं मिल रहा हमें, सब कुछ सिस्टमेटिक चला है और अच्छी तरीके से पढ़ाया जा रहा है। तो डाइजेस्टिव प्रोसेस की बात करें, सबसे पहले हम बात करेंगे माउथ की। डाइजेस्टिव सिस्टम में आपने जो एलिमेंट्री कैनाल की बात की, आप माउथ से लेके शुरू करते हुए लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ आ रहे हैं, ठीक। माउथ को, माउथ की जो कैविटी है, माउथ कैविटी को कहते हैं बकल कैविटी, माउथ कैविटी नोन एज बकल कैविटी। और कंपटीशन आप ही लोगों में है, जब पेपर होगा रिजल्ट आएंगे, आरोहण के सिलेक्शन बहुत ज्यादा होंगे, जिन एग्जाम में भी जीएस बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, और टेक्निकल वगैरह जो लोग तैयारी कर रहे हैं, आपके बाकी एरिया तैयार हो जिनमें जीएस रोल प्ले कर रहा है, जीएस जहां रोल प्ले कर रहा है, आरोहण के स्टूडेंट का परफॉर्मेंस सबसे अच्छा होगा, ये मुझे ऑलरेडी पता है। पर होगा क्या, सब बच्चों को बराबर पढ़ाया जा रहा है। अब कम से कम अलग अलग कोर्सेज अगर हम मिला के बात करें, कम से कम 2000 बच्चा अलग अलग कोर्सेज में एनरोल्ड है। अब इसमें से कई सेलेक्ट होंगे, कई नहीं होंगे, तो कमी किसमें है? कमी टीचर तो बराबर पढ़ाएगा। कई लोग देखना स्कोर जब आएगा, सर हमने बड़ा अच्छा स्कोर किया जीएस में, कुछ कहेंगे हमने कम पढ़ा।
अब कोई एग्जाम के एक महीने पहले ज्वाइन कर रहा है, कोई कॉपी पूरी नहीं पढ़ रहा, कोई सब्जेक्ट छोड़ के जा रहा है, तब टीचर कुछ नहीं कर सकता। तो जो पूरा कंप्लीट करके जाएंगे उनकी परफॉर्मेंस अच्छी होनी ही होनी है किसी भी एग्जाम में जहाँ जीएस आता हो। जीएस को लेकर शिकायत आप कभी नहीं करोगे, ठीक है। तो माउथ कैविटी को हम बोलते हैं बकल कैविटी, माउथ कैविटी को हम कहते हैं बकल कैविटी। माउथ के अंदर अब हमें पढ़ना है सबसे पहले टीथ। माउथ के अंदर दो चीजें हैं, टीथ और टंग, पहले इनकी बात कर लें। टीथ का काम होता है फूड को क्रश करना, इसका फंक्शन है टू क्रश द फूड, टू क्रश द फूड। और टंग का काम है मिक्सिंग ऑफ फूड विथ सलाइवा, लार के साथ खाने को मिक्स करना, मिक्सिंग ऑफ फूड विद सलाइवा। तो माउथ की पहले हम बात कर रहे हैं, माउथ की जो कैविटी है, जो माउथ ओपन करोगे ये पूरा हॉलो एरिया जो है, ये कैविटी है, इस कैविटी को कहते हैं बकल कैविटी। माउथ की कैविटी को कहते हैं बकल कैविटी। माउथ में दो चीजें, टीथ है और टंग है। टीथ का काम है जो आपने खाया उसको क्रश करना, छोटे पार्ट में डिवाइड करना, क्रश करना। और टंग का काम है उन टुकड़ों के साथ सलाइवा की मिक्सिंग करना, उन फूड के टुकड़ों के साथ सलाइवा को मिक्स करना, लार को उसमें मिलाना, क्योंकि लार के अंदर एंजाइम होता है जो ब्रेक डाउन करने का काम कराएगा कार्बोहाइड्रेट के। अभी आगे हमें यही समझना है। तो माउथ कैविटी को बकल कैविटी के नाम से जानते हैं, उसमें टीथ और टंग दो चीजें हैं। टीथ का काम है फूड को क्रश करना और टंग का काम है फूड को मिक्स करना सलाइवा के साथ। टंग लोअर जॉ के साथ जुड़ी होती है, जीभ जो है लोअर जॉ नीचे वाले जबड़े के साथ जुड़ी होती है। देखो जरा चेक करो, किसी के ऊपर तो नहीं जुड़ी हुई है। तो टंग अटैच्ड विद लोअर जॉ, एक छोटी सी झिल्ली नजर आ रही होगी शीशे में देखोगे तो, टंग अटैच्ड विद लोअर जॉ विद द हेल्प ऑफ थिन मेम्ब्रेन नोन एज, उसका नाम होता है फ्रेनुलम। तो टंग का काम है फूड को सलाइवा से मिक्स करना, लोअर जॉ के साथ अटैच होती है और जिस मेम्ब्रेन के द्वारा वो जुड़ी होती है उस मेम्ब्रेन का नाम होता है फ्रेनुलम। टंग लोअर जॉ के साथ अटैच होती है और उसका मेम्ब्रेन का नाम होता है फ्रेनुलम। टंग का और क्या काम है, टंग के ऊपर होती हैं टेस्ट बड्स। टेस्ट बड्स जो आपको टेस्ट समझ आता है, इसके ऊपर होती है टेस्ट बड्स। टंग के ऊपर होती हैं टेस्ट बड्स, सॉरी, टंग कंटेन टेस्ट बड्स। टेस्ट बड्स में भी सबसे आगे जो बड होती है ये होती है स्वीट और सॉल्ट टेस्ट को पहचानने के लिए। स्वीट और सॉल्ट को जो हम पहचानते हैं वो वाली टेस्ट बड बिल्कुल शुरू पे जुबान पे रखते ही समझ आ जाता है कि स्वीट या सॉल्ट। यहां पर होती हैं सोरनेस को पहचानने के लिए, खट्टेपन को, और यहां पर होती हैं बिटर, कड़वे को पहचानने के लिए। कड़वे वाला थोड़ा देर में पता चलता है। तो सबसे आगे स्वीट सॉल्ट, बीच में सोर और लास्ट में बिटर, टेस्ट बड्स कंटेन करती है टंग। तो समझ आया हमें, टंग का रोल मिक्सिंग ऑफ फूड विद सलाइवा, लोअर जॉ के साथ कनेक्टेड है फ्रेनुलम मेम्ब्रेन के द्वारा, और टंग कंटेन करती है टेस्ट बड्स। कौन सी टेस्ट बड, कहां पर मौजूद है, स्वीट सॉल्ट सोरनेस बिटरनेस, इन सब चीजों को बताती है। नेक्स्ट पॉइंट टीथ। अब आता है टीथ का रोल, पहले ये देख लो कंप्लीट है फिर हम टीथ के बारे में बात करें।
टीथ, स्टडी ऑफ टीथ इज नोन एज ओडोंटोलॉजी, ओडोंटोलॉजी, टीथ की स्टडी इज ओडोंटोलॉजी। ह्यूमन बीइंग्स आर, ह्यूमन बीइंग्स आर फर्स्ट हेट्रोडोंट, मतलब फोर डिफरेंट साइज के टीथ होते हैं ह्यूमन में, फोर डिफरेंट साइज टीथ, और होता है डाइफायोडंट। लाइफ में टीथ आते हैं दो बार, डाइफायोडंट टीथ कम्स टू टाइम्स। सबसे पहले डेसिडुअस टीथ, मिल्क टीथ बोलते हो जिनको, मिल्क टीथ या डेसिडुअस या टेम्परेरी या दूसरा वाला है परमानेंट। तो टीथ की स्टडी ओडोंटोलॉजी कहते हैं। ह्यूमन बीइंग्स के बारे में बात करें तो ह्यूमन बीइंग के अंदर टीथ ये दो तरह से, एक हेट्रोडोंट, ह्यूमन बीइंग होता है हेट्रोडोंट, हमारे जितने टीथ हैं फोर डिफरेंट साइज हैं टीथ के, हमारे जो टीथ हैं वो फोर डिफरेंट साइज के टीथ हैं, अलग अलग साइज है। और डाइफायोडंट का मतलब है लाइफ में टीथ दो बार आता है, एक बार बचपन में जो टीथ जल्दी डिसअपीयर खत्म हो जाते हैं, उसके बाद परमानेंट। तो टीथ की स्टडी ओडोंटोलॉजी, और ह्यूमन बीइंग के अंदर हेट्रोडोंट होता है ह्यूमन बीइंग, फोर डिफरेंट साइज के टीथ होते हैं, और ह्यूमन बीइंग डाइफायोडंट भी होते हैं। डाइफायोडंट का मतलब होता है टू टाइम्स लाइफ में टीथ आते हैं। जो सेल्स टीथ को बनाती है उसे कहते हैं ओडोंटोब्लास्ट। सेल्स फॉर्मिंग टीथ, सेल फॉर्मिंग टीथ इसे कहते हैं ओडोंटोब्लास्ट। सेल जो टीथ फॉर्म करती है उसको हम ओडोंटोब्लास्ट कहते हैं। तो टीथ की स्टडी ओडोंटोलॉजी, सेल जो टीथ को बनाती है ओडोंटोब्लास्ट, ह्यूमन बीइंग हेट्रोडोंट है, फोर डिफरेंट साइज के टीथ होते हैं, डाइफायोडंट है, टीथ लाइफ में दो बार आते हैं। यहां तक की बात खत्म। देख लो पहले ये क्लियर है। आरआरबी जेई का कोई कुछ इंफॉर्मेशन आई है क्या कल? एक दो बच्चे कुछ मैसेज कर रहे थे, मैंने तो नहीं देखा है, एक दो बच्चे कुछ मैसेज कर रहे थे, अभिनव भी कुछ आरआरबी जेई में लिख रहे हैं, कोई इंफॉर्मेशन तो नहीं आया आरआरबी जेई को लेकर? कल एक दो बच्चों का मैसेज आ रखा था। देखो ये सोशल मीडिया पे चलता रहता है ना, कई सारे जो कोचिंग हैं वो बेवकूफ बहुत बनाते हैं, वो कह देंगे इंफॉर्मेशन मिली है अंदर से, अप्रैल में आएगा, जून में आएगा, सब फर्जी बात। जब आ जाए ऑफिशियल तब जानो, जब ऑफिशियली आ जाए तब माना करो उसको, आलतू फालतू साइट के चक्कर में रोज बताएंगे कल आ रहा है परसों आ रहा है, एक साल हो गया आरआरबी जेई सुनते सुनते, तो चक्कर मत पड़ा करो, जब आ जाएगा तब जानना, ये धोखे में मत पड़ो। अभी तो किसी कंपनी ने क्या किया, फर्जी वेबसाइट किसी लड़के ने बना के और उस पर नोटिफिकेशन निकाल दिया कि लोग आके उस पर फीस जमा करके एडमिशन लें, ये साइबर क्राइम है। फेक वेबसाइट बना दी उसी कंपनी जैसी और उस पर नोटिफिकेशन सर्कुलेट कर दिया बच्चों ने एक दूसरे को कि फॉर्म आ गया पता नहीं कौन सा। अभिषेक कह रहे हैं सिविल सर्विसेज का मैं क्या कराऊंगा, सिविल सर्विसेज का बैच जो प्रेपोन आईएएस वाली ऐप पर हम शुरू करेंगे 3 अगस्त से, पहला सब्जेक्ट राहुल सर उसमें पॉलिटी कराएंगे, मेरे सब्जेक्ट उसमें आगे जाकर आएंगे जो बड़ा क्रूशियल एरिया, एक तो इकोलॉजी एनवायरनमेंट, दूसरा साइंस टेक, तीसरा करंट अफेयर, उसमें मैं कराऊंगा इकोलॉजी एनवायरनमेंट, जीके करंट अफेयर और साइंस एंड टेक, तीन सब्जेक्ट, और तीनों ही बहुत डिमांडिंग और बहुत
बच्चों के लिए बड़े डिफिकल्ट पड़ते हैं उनको, हालांकि हैं बड़े सिंपल, कंटेंट उसमें सब एक साथ ऑथेंटिक नहीं मिल पाता लोगों को, इसलिए दिक्कत होती है। क्योंकि हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी में तो अच्छी बुक्स अवेलेबल हैं, बहुत अच्छे पुराने टीचर अवेलेबल हैं, इकोलॉजी इन्वायरमेंट साइंस टेक और करंट अफेयर, तीन बड़े डायनेमिक एरिया हैं, तो वही टीचर पढ़ा पाएगा जो लगातार खुद पढ़ता रहे, लगातार अपडेट करना पड़ता है इनको। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, देखो अब आता है एक कंसेप्ट है डेंटल फार्मूला। डेंटल फार्मूला क्या कहता है? 2 1 2 3, हाफ जॉ की मैंने बात की ना, हाफ जॉ नहीं सॉरी, मैंने बात की अभी आपसे, क्या बता रहा था मैं, हाँ 4 डिफरेंट साइज के टीथ होते हैं, हम होते हैं हेट्रोडोंट, तो 4 डिफरेंट साइज के टीथ होते हैं, ये हम बात कर रहे हैं। दो जॉ है देखो, एक तो जॉ है लोअर, एक जॉ है अपर, एक लोअर जॉ है एक अपर जॉ है। जॉ बोन ये है लोअर जॉ बोन, जबड़े की हड्डी बड़ी मजबूत होती है लोअर जॉ बोन, ये लोअर जॉ बोन है जिसका नाम है मैंडिबल, इसका नाम है मैंडिबल, और ये अपर जॉ बोन है जिसका नाम है मैक्सिला, अपर जॉ बोन है मैक्सिला, तो एक है मैक्सिला एक है मैंडिबल। जॉ बोन भाई, कोई जॉ बोन कुछ है उसी पर तो टीथ टिकेंगे, टीथ को टिकने के लिए कुछ चाहिए, तो टीथ को टिकने के लिए कुछ चाहिए, लोअर जॉ बोन अपर जॉ बोन दो हो गई, लोअर जॉ बोन का नाम मैंडिबल, अपर जॉ बोन का नाम मैक्सिला। हमारे स्कल में, स्कल के अंदर अगर सिर्फ इस चेहरे पे देखोगे, स्कल में सिर्फ ओनली मूवेबल बोन इज मैंडिबल, एक ही बोन मूव करती है वो मैंडिबल है, ओनली मूवेबल बोन प्रेजेंट इन द स्कल, स्कल के एरिया में कोई और बोन मूव नहीं कर रही है, बोन तो है पर मूव नहीं कर रही, ओनली मूवेबल बोन प्रेजेंट इन द स्कल, ओनली मूवेबल बोन प्रेजेंट इन द स्कल दैट इज मैंडिबल, और बहुत हार्ड होती है, बहुत हार्ड होती है, वन ऑफ द हार्डेस्ट बोन इन अवर बॉडी, मैंडिबल है वन ऑफ द हार्डेस्ट बोन इन अवर बॉडी। वन ऑफ द हार्डेस्ट बोन प्रेजेंट इन अवर बॉडी दैट इज मैंडिबल। चाय पे ध्यान मत लगाओ तुम, क्लास देखो पहले। तो लोअर जॉ बोन नीचे वाले जबड़े की हड्डी मैंडिबल, ऊपर वाला मैक्सिला मैंडिबल, ओनली मूवेबल बोन है स्कल में और वन ऑफ द हार्डेस्ट बोन है हमारे बॉडी में, ठीक। अब जो हमने फार्मूला हम बोल रहे हैं 2 1 2 3 है ना, वो हाफ जॉ के लिए बोल रहे हैं, जो फार्मूला ऊपर लिखा है डेंटल फार्मूला 2 1 2 3, वो हाफ जॉ बोन के लिए बात कर रहे हैं, इसका हाफ या इसका हाफ, कोई एक हाफ एरिया ले लो, चाहे ये वाली जॉ बोन का हाफ चाहे इसका हाफ, और ये फार्मूला हाफ जॉ के लिए लिखा है, मतलब स्टार्टिंग के 2 टीथ होते हैं, इन्हें कहते हैं इंसीजर, ये फार्मूला होता है, इसको ICPM कहते हैं, ICPM, तो डेंटल फार्मूला ICPM 2 1 2 3 ये होता है फॉर हाफ जॉ, और हाफ जॉ, हाफ जॉ अपर या लोअर कोई सा भी ले लो, चाहे अपर जॉ या लोअर जॉ दोनों में ही स्टार्टिंग के 2 टीथ ऐसे फ्लैट से दिखते हैं, है ना, इन्हें कहते हैं इंसीजर, स्टार्टिंग के 2 टीथ इंसीजर। इसके बाद एक लंबा सा दांत आता है, टाइगर में तो और बड़ा होता है, टाइगर वाइगर में भूत ऊत में देखोगे और लंबा दिखाता है दांत, ड्रैकुला वैकुला टाइप, तो ये कैनाइन है, चीर फाड़ का काम करता है, ये काफी मजबूत होता है टाइगर वगैरह में, ये टीथ है कैनाइन इसको बोलते हैं, ऊपर भी दोनों तरफ होता है। हाफ जॉ के लिए ये फार्मूला है, तो 2 इंसीजर मिलेंगे शुरू में, उसके बाद एक कैनाइन मिलेगा, उसके बाद 2 मिलेंगे प्री मोलर, पी का मतलब है प्री प्री मोलर,
तो इसके बाद दो लंबे वाले दांत के बाद दो दांत देखो, थोड़े चौड़े से दिखेंगे, दो दांत थोड़े चौड़े से दिखेंगे, ऐसा लगता है जैसे डबल हो। और इसके पीछे फिर होते हैं तीन मोलर, एम का मतलब है मोलर, बिल्कुल लास्ट वाले तीन और चौड़े दांत। अब यहां तो 3D बनेगा नहीं, लास्ट वाले तीन चौड़े दांत, तो ये दो और लास्ट में तीन और, तो ये बन गए 8। एक हाफ जॉ के लिए 8 टीथ आपने लिखे, देखो 2+1+2+3, ये डेंटल फार्मूला है। ये हाफ जॉ के लिए है, इसको आपने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब ये हो गया 32, टोटल नंबर ऑफ टीथ कितने हो गए। तो डेंटल फार्मूला जो हाफ जॉ के लिए लिखा है, तो हाफ और हाफ फुल, फिर 1.5 और 2, हाफ हाफ फुल हाफ थर्ड हाफ, और ये 3/4 और 4th, ये हो गया 2 पार्ट। तो इसको हाफ जॉ वाले को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, अपर जॉ पूरा लोअर जॉ पूरा, टोटल नंबर ऑफ टीथ 32, टोटल हो गया 32, टोटल नंबर ऑफ टीथ। क्लियर है? ठीक है, तो हाफ जॉ में 8 टीथ, टोटल हाफ कितने हो गए 4, मल्टीप्लाई कर दो 32, टोटल नंबर ऑफ टीथ इतने होते हैं। तो आपसे कोई पूछ ले टोटल इंसीजर कितने होते हैं, टोटल इंसीजर टीथ हमारे अंदर, तो एक हाफ जॉ में 2 2, और टोटल हाफ कितने हो गए 4, तो 8 हो गए इंसीजर। टोटल इंसीजर टीथ हमारे में होते हैं 8, कैनाइन होते हैं 4, प्री मोलर को करो 4 से मल्टीप्लाई 8, मोलर होते हैं 12। टोटल नंबर ऑफ टीथ 32 में से कितना कितना होता है, इससे आप बता लोगे। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट, तो टोटल टीथ हो गए 32। एक नोट लिखो, रेप्टाइल्स और फिशेस, रेप्टाइल्स एंड फिशेस आर होमोडंट। होमोडंट का मतलब उनके चारों टीथ एक ही साइज के होते हैं, सेम साइज के होते हैं। हमारे अंदर 4 डिफरेंट साइज होते हैं, उनके अंदर सेम साइज होता है। तो रेप्टाइल और फिशेस जो होते हैं होमोडंट होते हैं। होमोडंट का मतलब ऑल टीथ्स आर ऑफ सेम साइज, होमोडंट होते हैं, ऑल टीथ आर ऑफ सेम साइज, रेप्टाइल भी और फिशेस भी। इसके अलावा टर्टल, कछुआ, मेढक, जब ये बहुत छोटे छोटे जो टोड्स होते हैं, टोड्स, टर्टल, टोड्स, बर्ड्स डू नॉट हैव टीथ, डू नॉट हैव टीथ। एलिफेंट में जो व्हाइट कलर का टीथ बाहर निकला रहता है, जिसको स्मगलर तोड़ देते हैं, उसको तोड़ देते हैं या हाथी को मार देते हैं, उसके लिए एलिफेंट का जो टस्क होता है, जो व्हाइट कलर का टीथ निकला होता है बाहर, जिसकी स्मगलिंग की जाती है, वो कौन सा टीथ है? आईसीपीएम में से इंसीजर है वो, एलिफेंट टस्क इज मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ इंसीजर टीथ, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ इंसीजर टीथ। एलिफेंट का टस्क होता है मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ इनसीजर, इनसीजर टीथ। इसके अलावा ह्यूमन में लास्ट मोलर टीथ,
लास्ट मोलर टीथ जो होता है चारों तरफ वो होता है विजडम टीथ। हाफ जॉ में जो आपने एम वर्ड लिखा है मोलर टीथ, इन ह्यूमन लास्ट मोलर टीथ, लास्ट मोलर टीथ इज विजडम टीथ। ह्यूमन में लास्ट मोलर टीथ होता है विजडम टीथ। और विजडम टीथ ऑलरेडी वी स्टडीड, इट इज एन वेस्टिजियल ऑर्गन, वेस्टिजियल ऑर्गन। तो ह्यूमन में लास्ट मोलर टीथ जो होता है चारों साइड में वो विजडम टीथ होता है, अकल दांत जिसको बोलते हैं, निकाल भी दिया जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, इट इज एन वेस्टिजियल ऑर्गन। ठीक, तो ये कुछ जनरल पॉइंट्स हो गए। रेप्टाइल फिशेस होमोडंट होते हैं, टीथ होते हैं सारे सेम साइज के होते हैं, इनमें टीथ नहीं होते बर्ड्स वगैरह में। एलिफेंट का जो व्हाइट कलर का टीथ निकला रहता है वो इंसीजर होता है, इंसीजर ही मॉडिफाई होकर ऐसा बन गया है, आइवरी जो बोल रहे हैं उसको, करेक्ट। ह्यूमन में लास्ट मोलर टीथ जो है वो विजडम टीथ है, वेस्टिजियल ऑर्गन होता है, वेस्टिजियल टीथ को रिमूव भी कर दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और काफी लंबे समय में निकलता है विजडम टीथ, कई लोगों में तो बहुत पेन कराता है ये। यहां तक देखो क्लियर है, आगे बढ़े। चेक कर लो पहले, यहां तक समझ आ गई सारी बात? आरोहण को लेकर तो मेरी अपनी इच्छा ये है कि जीएस का लेवल तुम लोगों का पूरे सब्जेक्ट एक बार पढ़ लो, बस जितने सब्जेक्ट कराए जा रहे हैं एक बार कवर कर लो जो समय लग रहा है। और बहुत सारे लोगों को मैं आगे जाकर स्टेट पीसीएस और सिविल सर्विसेज तक देखना इसलिए चाह रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि कंटेंट कितना कवर कर रखे हो। फाउंडेशन तुम्हारी इतनी स्ट्रांग हो चुकी है कि सिविल्स वगैरह के लिए तो बहुत बढ़िया परफॉर्म करोगे। और अभी तुम्हें लग रहा होगा सुनने में कि सर ये तो ज़्यादा बड़ी बात हो गई, सिविल सर्विसेज कैसे हो पाएगा, तुम्हें ऐसा लग रहा होगा, पर उतनी बड़ी चीज है नहीं। जब तुम पूरा एक बार पढ़ लोगे फंडामेंटल और प्रीवियस ईयर पेपर देखना, तब तुम्हें यह बात समझ आएगी कि क्या बेनिफिट है और क्यों कह रहे हैं ये बात। सिर्फ एक लेवल इंप्रूव करने की बात आएगी, वो अगर उतना फोकस, स्टेट पीसीएस तो वैसे भी निकल जाएगा, उसमें दम नहीं है इतना, सिविल्स थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है और उसमें परफॉर्मेंस आपकी बहुत अच्छी होगी। बस ये कि सब्जेक्ट पूरे कर लेना, ये ना हो एनवायरमेंट छूट गया, कोई कह रहा है हिस्ट्री छूट गया, ये नहीं गड़बड़ करना, सब्जेक्ट पूरे होने चाहिए। मेहनत करके एक बार कर ले गए तो जो मैं सोच रहा हूं वो चीज बहुत बहुत टफ नहीं है आपके लिए। इंसीजन, इंसीजर टीथ हद से ज्यादा बड़ा होना इज अ साइन ऑफ कार्निवोरस। इंसीजर बहुत ज्यादा बड़ा कहाँ, कैनाइन ज्यादा बड़ा होता है ना शैलेश। इंसीजर तो शुरू वाला दांत है जो तुम्हारे में स्टार्टिंग में फ्लैट दांत है, उसके बाद जो लंबा सा दांत है, जो लंबा वाला दांत है वो कैनाइन होता है, वो कार्निवोरस में बड़ा होता है, चीर फाड़ वालों में कार्निवोरस में वो वाला बड़ा होता है, उसको कैनाइन बोलते हो। पाइरूवाइट और क्रैब साइकिल निक, अभी थोड़ा सा रुक जाओ, एक अलग से टॉपिक तुम्हें बता दूंगा मैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, पाइरूवेट या क्रैब साइकिल की जो आप बात कर रहे हैं उल्टा प्रोसेस है वो, देख लिया है मैंने आपने पाइरूवेट के बारे में पूछा, एक रिएक्शन दिखानी पड़ेगी उसकी, कुछ बार आया है, बहुत ज्यादा तो नहीं, कुछ एग्जाम में आया हुआ है, पुराने पेपरों में एक आध जगह मिला होगा आपको, पाइरूविक एसिड, पाइरूवेट, क्रैब साइकिल। स्टेट स्पेसिफिक मैंने पुलकित कहा है, सब्जेक्ट पूरे तो कर दूं, सब्जेक्ट पूरे हो जाए, स्टेट स्पेसिफिक मैंने यूपी बिहार तो आपको बोला ही है, जब वो खत्म करा दूंगा फिर आगे स्टेट की बात करेंगे। मतलब ये है कि तुम बड़ा सोचो, अब इतनी मेहनत कर रहे हो तो वेस्ट नहीं जा रही है, बड़ा सोचो, पुराने पेपर लगाना शुरू करो। सीएससी का प्री जब हो जाएगा राजू तो 2-3 महीने के बाद फिर मेंस की प्लानिंग करेंगे, पहले प्री अच्छा कराएं। देखो बहुत ज्यादा अनाउंसमेंट मैं नहीं करना चाहता हूँ आरोहन पर, जितना कराओ सॉलिड कराओ, सिलेक्शन आए उससे ज्यादा खुशी होती है। अब इतने बच्चे पुराने पढ़े हुए हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे पढ़ाया है मैंने, पुराने जहाँ ऑफलाइन ऑनलाइन जहाँ मैंने पढ़ाया 12-13 साल, अब कई चीजें मैं वहां करना चाहता था मैं नहीं कर पा रहा था, अब यहाँ तो मैं कर सकता हूँ ना अपने हिसाब से, मुझे टेस्ट सीरीज जैसी करवानी है, रिविजन जैसे करवाना है, सब्जेक्ट में कितना पढ़ाना है, यहाँ तो पूरी फ्लेक्सीबिलिटी है मुझे, तो मुझे इस बात की खुशी है कि मैं चाहता हूं जो करना वो हो पाएगा यहां पर, बस तुम साथ साथ कवर करो, सब्जेक्ट पूरे होने चाहिए, बस दो ही बात है। कि जब पेपर देने जाते हैं कई लोग कहते हैं सर पेपर तो अच्छा हुआ, पर
100 में से 60 बन गए। अभी कल एक बच्चे का फोन आया, 100 में से 60 क्वेश्चन करके आया किसी पेपर में। तो मैंने कहा भाई 40 क्या नहीं आए पढ़ाए हुए? तो कह रहा सर तीन सब्जेक्ट छोड़ा हुआ हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री छोड़ा हूँ, इन्वायरमेंट छोड़ा हूँ, एक और बता रहा था कोई। तीन सब्जेक्ट छोड़ने के बाद कह रहा 100 में 60 आ रहे हैं। तो मुझे इतना खराब लगा कि वो तीन अगर कर लिए होते तो 80 के आसपास होते, 100 तो नहीं बोल सकता पर 80 के आसपास जाते। पढ़ोगे नहीं टीचर क्या करेगा, और बैच भी शुरू से चल रहा है तब भी नहीं तैयार है सब्जेक्ट। ठीक है, तो लास्ट मोलर टीथ, विजडम टीथ, वेस्टिजियल ऑर्गन, और एक आध नौकरी कोई लग जाए, जॉब में आ जाओ, फिर सिविल्स की तैयारी शुरू कर दो। सीधे सीधे सिविल्स नहीं बोल रहा हूं मैं, ताकि ये इनसिक्योरिटी ना रहे मेरा क्या होगा भविष्य में, डर डर के सिविल्स की तैयारी नहीं होती। कोई एक जॉब मिल जाए फिर तैयारी शुरू करो। चलो आलतू फालतू बात हो गई बहुत, चटाई फोल्ड करके अलमारी में रखो, आगे पढ़ो। टीथ के बारे में हम बात कर रहे थे, मैक्सिला मैंडिबल क्या मतलब है। टीथ का स्ट्रक्चर अगर हम देखें, ऐसे सॉफ्टी की तरह होता है, आइसक्रीम का जो कोन है सॉफ्टी, इस तरह का होता है टीथ का स्ट्रक्चर। ये होता है मसूड़ा, इसको गम्स या जिंजीवा कहते हैं, इसको कहते हैं गम्स या जिंजीवा। और टीथ के थ्री पार्ट होते हैं, टीथ के थ्री पार्ट होते हैं। गम्स के नीचे का पोर्शन, इसे कहते हैं रूट, इसे कहते हैं नेक, और इसे कहते हैं क्राउन। क्राउन तो तीन पोर्शन है टीथ के, रूट, नेक और क्राउन। और इसमें होती हैं ब्लड वेसल्स, ये सब निकली हैं ब्लड वेसल्स, ये ब्लड वेसल्स हैं। ब्लड वेसल्स, टीथ जहां से राइज कर रहा है, जहां से स्टार्ट हो रही है ग्रोथ, वो जॉ बोन से जुड़ा हुआ है, जॉ बोन से जुड़ा हुआ है। तो टीथ निकल किधर से रहा है, सॉकेट ऑफ जॉ बोन, यहां से ओरिजिन होता है, सॉकेट ऑफ जॉ बोन। तो टीथ की स्टार्टिंग जॉ बोन के रूट से, रूट यहां से निकल रही है जॉ बोन से। टीथ की डबल मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ वेरी हार्ड सब्सटेंस, इवन हार्डर देन बोन, इनामेल। और इनर मेम्ब्रेन सॉफ्ट सब्सटेंस डेंटाइन का बना होता है, इनर मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ डेंटाइन। तो आउटर मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ इनामेल, इनर मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ डेंटाइन, और इसके तीन पोर्शन हैं क्राउन, नेक एंड रूट। ये हो गया टीथ का स्ट्रक्चर। क्लियर है? तो तीन पोर्शन हो गए, रूट, नेक एंड क्राउन। क्राउन के दो मेम्ब्रेन इनामेल एंड डेंटाइन की बनी है। गम्स वाला, गम्स के नीचे का पोर्शन आपको टीथ का दिखता नहीं है, सिर्फ आपको टीथ का जो पोर्शन सामने से दिख रहा है वो क्राउन बोलते हैं, ओनली विजिबल पार्ट क्राउन। टीथ का ओनली विजिबल पार्ट इज क्राउन। ओनली विजिबल पार्ट,
ओनली विजिबल पार्ट क्राउन. इनामेल इनामेल वाइट शाइनिंग सब्सटेंस वेरी हार्ड. Even harder than bone. Even harder than bone. तो इनामेल जो होता है white shining substance होता है teeth के ऊपर जो coating दिखती है आपको, बहुत hard होता है, even bone से ज़्यादा hard. इनामेल की coating अगर remove हो जाती है तब हमें sensitivity की problem होती है, ठंडा गर्म लगना. इनामेल की coating अगर remove हो जाए तब sensitivity की problem होती है. और रैट एकमात्र एनिमल है जो इनामेल को वापस रिकवर कर सकता है. हमारे अंदर वो सुविधा नहीं होती, हमारे अंदर वो सुविधा नहीं होती. तो एनिमल वाइट शाइनिंग सब्सटेंस इनामेल, इनामेल वाइट शाइनिंग सब्सटेंस बहुत हार्ड, इवन हार्डर देन बोन. नेक्स्ट पॉइंट, इफ इनामेल कोटिंग इज रिमूव्ड प्रॉब्लम ऑफ सेंसिटिविटी अकर. इफ इनामेल कोटिंग इज रिमूव्ड देन प्रॉब्लम ऑफ सेंसिटिविटी विल अकर. इनामेल की कोटिंग अगर रिमूव हो जाएगी तो सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम होगी. रैट्स आर द ओनली एनिमल, rats are the only animal which can replace enamel coating, enamel coating. तो enamel की coating अगर remove हो जाएगी तो sensitivity की problem होगी. और रैट ओनली एनिमल ऐसा है जो इनामेल की कोटिंग को रिप्लेस कर सकता है. ह्यूमन के पास ये सुविधा नहीं होती. तो आपके अंदर क्या होगा, टीथ अगर कैविटी हो जाती है, दांत अगर खोखला हो जाता है तो वो नीडल डाल के अंदर की तरफ वो जो वेसल्स आ रही हैं उसको कट कर देते हैं और वो टीथ आपका डेड हो जाता है. डेड मतलब आपको उसमें कुछ फील नहीं होगा. फिर रूट कैनाल थेरेपी होती है, RCT कराया होगा किसी ने तो. RCT जो होती है कम से कम 3 सिटिंग में पूरा करते हैं. तो रूट कैनाल थेरेपी में क्या करते हैं, ये टीथ कैविटी हो गई है, अंदर तक खराब हो गया है, तो अंदर जाके उसको कट कर देते हैं कनेक्शन को, जिससे आपको फिर फील ही ना हो उसमें, टीथ डेड सा हो जाए और इसके ऊपर कैप लगा देते हैं तो नॉर्मल टीथ की तरह बाहर से दिख रहा है और वो कुछ आपको फील नहीं कर रहा फिर. दैट इज RCT, रूट कैनाल थेरेपी. बहुत अंदर जाके उसको डीएक्टिवेट करते हैं टीथ को, ताकि आपको कुछ फीलिंग ना हो, सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम ना हो फिर. तो स्टार्टिंग में तो फिर भी ठीक हो सकता है, पर ज्यादा अगर खराब हो जाएगा तब RCT उसका इलाज होता है, रूट कैनाल थेरेपी. क्रोकोडाइल की लाइफ में 40 टाइम्स आता है टीथ. इन क्रोकोडाइल एंटायर लाइफ teeth comes 40 times. 40 टाइम टीथ आते हैं उसके लाइफ में. तो रैट के पास क्षमता है इनामेल कोटिंग को रिकवर करने की. इनामेल कोटिंग खराब हो जाए तो रिकवर कर सकता है. और क्रोकोडाइल की लाइफ में टीथ आता है 40 times. देख लो यहां तक क्लियर है सारी बात. तो टीथ की स्टोरी कंप्लीट. अब आगे बढ़े तो माउथ बकल कैविटी, उसमें टीथ और टंग दो चीजें हैं, दोनों के बारे में हमने बात कर ली. नेक्स्ट पॉइंट,
ठीक है, चलो ये कंप्लीट। अब नेक्स्ट पार्ट। डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट्स इन माउथ, यहां से स्टार्ट होता है। डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ। आपने फूड इंटेक किया, फूड इंटेक किया, उस फूड के साथ टीथ ने इसको क्रश किया। आपने फूड इंटेक किया, टीथ ने इस फूड को क्रश किया, टंग ने सलाइवा को मिक्स किया इसके साथ। फूड प्लस सलाइवा, इसकी मिक्सिंग की, इसको बोलस बोलते हैं। तो बोलस, अलग अलग जगह फूड को अलग अलग नाम दिए हैं जिससे आपको पता चल जाए कि डाइजेशन में अभी हम कहां पर बात कर रहे हैं। बोलस वर्ड अगर आए तो माउथ की बात हो रही है। तो फूड और सलाइवा मिक्स होकर इसको बोलस कहते हैं और माउथ में इसको बोलस बोला जा रहा है। तो अलग अलग जगह फूड को अलग अलग नाम दिए गए हैं जिससे पता चल जाए कि किस समय हम कहां पर पहुंचे। स्टमक के अंदर जब फूड पहुंचेगा, वहां पर जब मिक्सचर बनेगा उसको बोलते हैं काइम, और स्मॉल इंटेस्टाइन में नाम देते हैं काइल। अलग अलग नाम दे रहे हैं ताकि पता लग जाए अभी हम डाइजेशन के कहां पर पहुंचे। अब एक बात बताओ, एक संडे का दिन था और आपको भूख लगी, तो आपने राइस और पोटैटो की करी, हाँ, चावल और आलू की सब्जी खाया। 10 AM पे आपने खा लिया सुबह चावल और आलू की सब्जी, और जितनी भूख थी सब खा लिया, पूरा कुकर खा गए तुम, दो प्लेट पूरा खा गए और एकदम फुल हो गए हो ऊपर तक। और 4 आवर्स के बाद आपको दोबारा यू आर फीलिंग हंग्री, क्लियर है? आपने 10 AM पे खाया और आफ्टर 4 आवर्स अगेन यू विल फील हंग्री। 4 आवर्स में दोबारा भूख लग गई, खाया आपने पूरा, पूरी टमी आपकी फुल हो गई, जितनी भूख थी उतना खाया। नेक्स्ट डे आप एक मैरिज फंक्शन में गए, मैरिज फंक्शन में गए और मैरिज फंक्शन में पहले आपने पिज्जा खाया, फिर नजर पड़ी अरे बगल में छोले भटूरे, छोले भटूरे खा लिया, फिर बगल में वो मिल्क मिल रहा था उसमें मलाई वलाई ऐड करके रबड़ी वबड़ी वो खाया, 10 रसगुल्ले खाए। पूरा खाने के बाद बाहर निकल रहे थे तो एक दोस्त ने बताया, अरे वो खाए, इमरती रबड़ी मिल रहा था। तुरंत वापस पलट के आए, अरे वो कहाँ से छूट गया। फिर दोबारा पलट के आए, अब हालत तो है नहीं खाने की, बड़ी मुश्किल से तुमने एक आध इमरती रबड़ी वो भी दबा दिया। और फिर अगल बगल देख रहे हो दीवार कहाँ है, अब उगलना भी है, ओवर ईटिंग हो गई है, पेट है इतना, आँख यहाँ तक है, खा लियो यहाँ तक, आँख यहीं तक है ना, खा यहाँ तक लियो, अब दिख भी नहीं रहा क्या अगला क्या करना है, फिर उगल रहे हो। और नेक्स्ट डे आप सो रहे थे, 10 AM पर नाश्ते का टाइम होता है, तो मम्मी ने उठाया कि कुछ खाओगे, मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही, ऊं कर रहे हैं बस, कुछ नहीं, बस इशारा कर रहे हैं। तो फिर पूछ रहे, अरे कुछ खा लो, आज छोले भटूरे बनाए हैं। छोले भटूरे का नाम सुनते ही नहीं, दोनों हाथ से नो नो, कुछ नहीं खाना है, सोने दो आप। फिर आई 2 आवर्स के बाद, अब कुछ खा लो, 1 PM हो गया लंच टाइम, अभी भी ऊं कर रहे हैं, कुछ नहीं। 5 PM हो गए शाम को, चाय पियोगे, तब भी आवाज नहीं निकल रही। आपने जब आलू चावल खाया तब भी आपने भर पेट खाया, मैरिज में आप गए तब भी आपने भर पेट खाया, जितनी कैपेसिटी थी पूरा खाया, दोनों टाइम आपने फुल स्टमक जितनी कैपेसिटी थी पूरा खा लिया। ऐसा क्या हुआ कि जब आलू चावल राइस और पोटैटो करी आपने खाई तो आफ्टर 4 आवर्स यू विल फील हंग्री? और मैरिज फंक्शन में आपने इतना सारा फैट प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट इतना सारा खाया, 12 आवर्स के बाद भी आपको हंग्री फील नहीं हो रहा, व्हाट इज द रीजन? पोटैटो एंड राइस बोथ आर रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन टेक्स प्लेस इन द माउथ। डाइजेशन प्रोसेस में सबसे पहले डाइजेस्ट होता है कार्बोहाइड्रेट, माउथ में ही शुरू हो जाता है। तो राइस एंड पोटैटो आर रिच सोर्स ऑफ कार्ब, स्टार्च है, और माउथ में ही डाइजेशन होता है मेनली। तो माउथ में ही, मतलब डाइजेशन के फर्स्ट स्टेप में ही डाइजेस्ट होते हैं राइस एंड पोटैटो, ये सब स्टार्च जो है कार्बोहाइड्रेट्स। मैरिज फंक्शन में आपने फैट इंटेक बहुत ज्यादा किया, फैट बहुत खाया, छोले भटूरे इमरती रबड़ी सब फैट है, और फैट बॉडी में सबसे लास्ट में डाइजेस्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में।
तो डाइजेशन कंप्लीट प्रोसेस भी अराउंड 12 आवर्स का है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि 7 PM 8 PM तक डिनर हो जाना चाहिए, ताकि मॉर्निंग में 6 to 7 जब आप उठोगे तो 12 आवर्स का पूरा टाइम मिलेगा डाइजेशन के लिए। क्लियर है? इट मींस जो हम चीजें खा रहे हैं, वॉट एवर वी आर ईटिंग, फैट, कार्ब, प्रोटीन, टोटल डाइजेशन शैल नॉट बी पॉसिबल एट द सेम टाइम। क्लियर है? डिफरेंट कॉम्प्लेक्स जो प्रोडक्ट्स हैं डिफरेंट स्टेजेस में डाइजेस्ट होंगे। लाइक कार्ब डाइजेशन टेक्स प्लेस इन द माउथ, प्रोटीन डाइजेशन टेक्स प्लेस इन अवर स्टमक, फैट डाइजेशन और रिमेनिंग प्रोटीन डाइजेशन टेक्स प्लेस इन अवर स्मॉल इंटेस्टाइन। तो जो भी डाइजेशन, इंग्लिश हो गई कुछ ज्यादा, पहले हिंदी पर आओ, जो आपने खाया है उसमें कार्ब प्रोटीन फैट सब खाया है, ये सबका डाइजेशन एक साथ एक जगह पर नहीं होता, सब अलग अलग जगह पर डाइजेस्ट होते हैं। कार्ब माउथ में डाइजेस्ट होते हैं, प्रोटीन स्टमक में, और जो थोड़ा बहुत बचा हुआ प्रोटीन और फैट, फैट तो पूरा का पूरा और थोड़ा बहुत बचा हुआ प्रोटीन स्मॉल इंटेस्टाइन में। डाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद आती है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन हैज नो रोल इन डाइजेशन, इट ओनली कैरी वेस्ट मैटर एंड वॉटर। लार्ज इंटेस्टाइन का डाइजेशन में रोल नहीं होता। लार्ज इंटेस्टाइन वेस्ट और वाटर को कैरी करती है लास्ट में, बस वाटर को एब्जॉर्ब करते जाती है, वेस्ट को पास कर देती है बॉडी से एनएस के थ्रू। क्लियर है? एक हल्की सी रूपरेखा बनी होगी दिमाग में। तो ये तो क्लियर हो गया, डाइजेशन एक साथ सब कंप्लीट नहीं होता। तो डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ, फूड प्लस सलाइवा। व्हाट इज सलाइवा? सलाइवा कंटेन्स वन एंजाइम, सलाइवरी अमाइलेज, ऑल्सो नोन एज टाइलीन। सलाइवरी अमाइलेज और टाइलीन ये कहते हैं इसको। तो डाइजेशन प्रोसेस माउथ से स्टार्ट होता है, फूड प्लस सलाइवा, दैट मिक्सचर इन द माउथ नोन एज बोलस। सलाइवा कंटेन वन एंजाइम सलाइवरी अमाइलेज ऑल्सो नोन एज टाइलीन। ये एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करने का काम करता है। कार्ब जो हम खाते हैं उसमें कॉम्प्लेक्स कार्ब कौन सा खाते हो आप? सेल्युलोज खाते हो? कॉम्प्लेक्स कार्ब में आप सेल्युलोज खाते हो? ऊं क्या कर रहे हो, सेल्युलोज नहीं खाते हो, स्टार्च खाते हो। अवर बॉडी कैन नॉट डाइजेस्ट सेल्युलोज। एक आध लोग गर्दन हिला रहे हैं, सेल्युलोज डाइजेस्ट नहीं होता, अपेंडिक्स करता था उस काम को, अपेंडिक्स सब काम नहीं करता बॉडी में। कार्बोहाइड्रेट में, पॉलीसेक्राइड में आप स्टार्च को खा रहे हो, है ना, पोटैटो, राइस, बनाना, ये सब है स्टार्च। तो तुरंत हाँ में हाँ मत मिलाया करो, स्टार्च पॉलीसेक्राइड है। माउथ में ये प्रोसेस हो रही है, देखो स्टार्च है पॉलीसेक्राइड, और ये एंजाइम सलाइवरी अमाइलेज ब्रेक डाउन करता है स्टार्च का। सलाइवरी अमाइलेज और टाइलीन आल्सो यू कैन से, ये स्टार्च को ब्रेक करता है माल्टोस में। इसके बाद माल्टोस फर्दर ब्रेक हो जाता है ग्लूकोज में, सिंपल शुगर में। माल्टोस इज नथिंग बट डाइसैक्राइड, सिंपल शुगर। क्लियर है? तो स्टार्च पॉलीसेक्राइड है। सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम हमारे माउथ में सलाइवा में है, जो स्टार्च को ब्रेक करके माल्टोस बना देता है सिंपल शुगर, कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपल शुगर। दैट इज डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये है डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। क्लियर है? प्लास्टिक की बोतल यूज नहीं करनी चाहिए, माइक्रो प्लास्टिक कंटेन करता है। मैं खुद ही प्लास्टिक की बोतल पानी पी रहा हूं, मैं तो खुद ही प्लास्टिक वाले में पानी पी रहा हूं। हालांकि प्लास्टिक की बोतल, प्लास्टिक वाले आर्टिकल में कुछ भी आप खाते हो तो माइक्रो प्लास्टिक बॉडी में जाते हैं। इन्वायरमेंट में पढ़ा रखा है मैंने ये, और खुद ही फॉलो नहीं कर पा रहे। वो कॉपर वाली बोतल मंगाई एक बार अमेजोन से, वो पिचकी हुई बोतल भेज दी उसने, तब से आज तक वो बोतल भी नहीं आई, प्लास्टिक ही चल रहा है। वो ग्लास रखा रहता था, ग्लास भी गायब हो गया, पता नहीं कहाँ है। ठीक, प्लास्टिक वाले प्रोडक्ट नहीं यूज करने चाहिए, पर विडंबना ये है, प्रॉब्लम ये है कि हर जगह तो प्लास्टिक है, कितना बचोगे उससे। तो स्टार्च पॉलीसेक्राइड सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम ब्रेक करता है स्टार्च को माल्टोस में। व्हाट इज सलाइवरी अमाइलेज? सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम का नाम है।
कंटेन्स सलाइवरी अमाइलेज और टाइलीन, क्या है ये? एंजाइम है। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, एक एक्सेप्शन थी उसको छोड़कर। सभी प्रोटीन एंजाइम है क्या? नो। ऑल प्रोटीन आर एंजाइम? नो, इनकरेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट, तो स्टार्च पॉलीसेक्राइड, क्लियर। सलाइवा, सलाइवा का नेचर कैसा होता है? सलाइवा पर्सन टू पर्सन और डे टू डे वेरी करता है। सलाइवा, इसका पीएच वैल्यू, सलाइवा का पीएच वैल्यू लाइज बिटवीन 6.922 7.25। स्लाइटली एल्कलाइन, स्लाइटली एल्कलाइन जनरली, हमेशा नहीं, 7 के नीचे हल्का सा एसिडिक भी हो सकता है। 7 के नीचे, 7 रेफरेंस होता है, 7 के नीचे एसिडिक, 7 के ऊपर बेसिक, तो स्लाइटली एल्कलाइन होता है जनरली। स्लाइटली एसिडिक भी हो सकता है कभी कभी, तो जनरली वर्ड लिख दे रहा हूं मैं, जनरली स्लाइटली एल्कलाइन। अगर ऑप्शन में दोनों दे दे, एसिडिक या बेसिक, आप बेसिक टिक करना, एल्कलाइन मतलब बेसिक। रेंज हालांकि लिख दी है मैंने, स्लाइटली एसिडिक भी हो सकता है कभी कभी, पर जनरली एल्कलाइन होता है। एल्कलाइन का मतलब बेसिक। वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन और डे टू डे, वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन डे टू डे, हमेशा सलाइवा का पीएच एक सा नहीं रहता, पर्सन टू पर्सन और डे टू डे वेरी करता है। वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन डे टू डे सलाइवा, तो सलाइवा का पीएच 6.922 7.25। स्लाइटली एल्कलाइन, स्लाइटली एसिडिक भी हो सकता है, वेरी करता है पर्सन टू पर्सन डे टू डे, हमेशा पीएच एक जैसा नहीं रहेगा। देख लो क्लियर है। नहीं खाना चाहिए डेट एक्सपायर हो जाए तो, प्रिजर्वेटिव वगैरह उसके अंदर जो होते हैं वो इनएक्टिव हो जाते हैं और वो कंटेमिनेट होने लगता है फूड। एक्सपायरी डेट के बाद फूड प्रोडक्ट नहीं खाने चाहिए, क्योंकि उसमें जो प्रिजर्वेटिव वगैरह है उनकी लाइफ उतनी है, उसके बाद वो कंटेमिनेट होने लगती हैं चीज़ें, उल्टा नुकसान कर सकता है। यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ें, सभी को यहाँ तक क्लियर है बात? हल्का सा अब जरा ड्रॉ करके देखें कहाँ की बात चल रही है। ये कोई पर्सन है, रफली बना लो, ये कोई पर्सन है, ये आंख है, ये कान है, बस इतना समझो। इसने फूड इनटेक किया, फूड इनटेक किया और टंग के नीचे और ईयर के नीचे, यहाँ पर टंग के नीचे और यहाँ पर ग्लैंड है, सलाइवा बनाने वाली ग्लैंड, जैसे एक ग्लैंड है पैरोटिड ग्लैंड, एक ग्लैंड है पैरोटिड ग्लैंड, ये होती है लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड। पैरोटिड है लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड, तो इसने सलाइवा रिलीज किया, फूड प्लस सलाइवा का मिक्सचर ये जो माउथ में बना इसे कहते हैं बोलस, ये है बोलस, मतलब फूड प्लस सलाइवा। तो पैरोटिड ग्लैंड, सलाइवा बनाने वाली ग्लैंड टंग के नीचे भी है और ईयर के नीचे यहां पर भी है। सलाइवा बनाने की जितनी ग्लैंड है माउथ में, उनमें सबसे बड़ी ग्लैंड का नाम क्या है? पैरोटिड। सिंपल सा क्वेश्चन, सलाइवा बनाने वाली माउथ में जितनी भी ग्लैंड है उनमें सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी है? पैरोटिड ग्लैंड है सलाइवा बनाने की सबसे बड़ी ग्लैंड, पैरोटिड है सलाइवा बनाने की सबसे बड़ी ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड पर ही एक वायरस होता है, अगर वो इसको इन्फेक्शन कर दे
एक वायरस होता है पैरामिक्जो उसका नाम होता है, तभी प्रॉब्लम हो जाती है मम्स। साइड में यहाँ लिख देता हूँ मैं, एक वायरस है इसका नाम है पैरामिक्जो। पैरा मिक्सो वायरस अफेक्ट्स पैरोटिड ग्लैंड एंड कॉज डिजीज नोन एज मम्स। गलसूजा जो पढ़े थे, एयर से भी ट्रांसफर होता है क्या? ये एयर से, एयरबोर्न डिजीज के जो नाम पढ़े थे क्या उसमें भी इसका नाम था? पैरामिक्सो वायरस एक वायरस है जो पैरोटिड ग्लैंड को ही अफेक्ट करता है और इसको स्वेल कर देता है, स्वेलिंग कर देता है। हिंदी में गलसूजा, इंग्लिश में मम्स। एयरबोर्न डिजीज है, अभी कल ही लिखवाया है मैंने ये, एयरबोर्न डिजीज है, कल ही पढ़ाया आपने ये। तो अभी हो गई माउथ तक की बात, पहली बात हो गई माउथ तक, इसके आगे बढ़े फिर। पैरामिक्सो वायरस पैरोटिड ग्लैंड को अफेक्ट करता है, मम्स की प्रॉब्लम कराता है, एयरबोर्न डिजीज है, गलसूजा हिंदी में कहते हैं। दिखाई थी मैंने इमेज, ऐसे गाल सूज जाता है ये। नेक्स्ट पॉइंट, हम पहुंच गए माउथ तक। हाँ, अब इसके बाद क्या होगा? स्टार्च का ब्रेकडाउन हो गया माउथ में। अब इसके बाद हम कहां पर आएंगे? इसके बाद हम आएंगे डाइजेशन में, आगे बढ़ेंगे। अब माउथ से कनेक्ट है फिर यहां पर फूड पाइप। फूड पाइप एक्चुअल में बगल बगल में दो पाइप होते हैं, एक होता है फूड पाइप और एक इसके बगल में होता है विंड पाइप। एक फूड पाइप है और एक विंड पाइप है। कहते हैं ना कि खाना खाते समय बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि विंड पाइप जो होती है उसके ऊपर होता है लिड, ढक्कन। व्हेन यू आर टॉकिंग तो लिड ओपन हो जाता है, देयर मे बी अ चांस कि सम फूड पार्टिकल और वाटर मे एंटर इनटू विंड पाइप। तो कई बार गला चोक हो जाएगा, सांस नहीं आ रही है, प्रॉब्लम कर देता है। तो फूड पाइप और विंड पाइप बगल बगल में है, विंड पाइप के ऊपर कवरिंग होती है, लिड होता है, ढक्कन। फूड पाइप और विंड पाइप बगल बगल में होते हैं, खाना खाते समय बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये जो विंड पाइप है इसके ऊपर का ढक्कन ओपन हो जाएगा और कुछ पार्टिकल इधर चले जाएंगे, डर होता है। कई बार देखते हैं खाना खाते खाते पानी अटक गया, सांस नहीं निकल रही है। तो फूड पाइप विंड पाइप दोनों बगल बगल में, विंड पाइप के ऊपर कवरिंग है फूड पाइप पर नहीं, विंड पाइप के ऊपर ढक्कन दिख रहा है फूड पाइप पर नहीं। अब सुनो, तो फूड माउथ के बाद जाएगा फूड पाइप में, दैट इज फूड पाइप। फूड पाइप का नेम ओसोफेगस। साइंस इतना एडवांस हो गया है, 3D प्रिंटिंग एक टेक्नोलॉजी होती है, उसकी हेल्प से ओसोफेगस भी बना लिया है साइंटिस्टों ने। 3D टेक्नोलॉजी, 3D प्रिंटिंग की मदद से ओसोफेगस को डेवलप करा लिया है, साइंस इतना एडवांस हो गया है। हालांकि बहुत सारी चीजें अभी भी होनी है। तो फूड पाइप और ओसोफेगस, तो फूड इसके बाद जाएगा ओसोफेगस में। ओसोफेगस में म्यूकस वगैरह तो बॉडी में होता ही है। म्यूकस का काम क्या होता है? लुब्रिकेशन करना, अंदर मेम्ब्रेन को सॉफ्ट कर देना। तो म्यूकस इसको स्लिपरी बनाता है ताकि इजिली चीजों का मूवमेंट हो जाए, स्लिपरी। नहीं तो बहुत रफ तरीके से फूड पाइप में जाएगा, कभी कभार आपको निगलने में बड़ी दिक्कत होने लगती है। तो फूड बहुत स्लिपरी तरीके से, सॉफ्ट तरीके से मूव कर रहा है, म्यूकस होता है जो इसको नीचे लुब्रिकेशन करके इजिली मूव कराता है यहां वहां। अब इसके बाद आएगा स्टमक। एक रफ मैं ड्राइंग बना रहा हूं, थोड़ा सा आइडिया लग जाए। अब शक्ल देख के मत पहचानने की कोशिश करना कौन है ये, कोई होगा। स्टमक इस तरह से, तो अगला हम बात कर रहे हैं स्टमक। स्टमक में एक ग्लैंड होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड बोलते हैं इसको। स्टमक में एक ग्लैंड है गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो अब हम पहुंच गए फूड पाइप से होते हुए स्टमक में। क्या है ये? स्टमक का एरिया,
स्टमक के अंदर भी थ्री लेयर्स होती हैं, अभी बाद में बात करूंगा, पहले मैं ये बता दूं आपको। तो नेक्स्ट पार्ट हमारा आ गया स्टमक, माउथ की बात खत्म। स्टमक में देयर इज अ ग्लैंड नोन एज गैस्ट्रिक ग्लैंड। ग्लैंड है तो कुछ प्रोड्यूस करेगा, ये प्रोड्यूस करता है गैस्ट्रिक जूस। तो अब हम डाइजेशन में स्टमक तक पहुंच गए, यहाँ साइड में लिखते चलो। माउथ की बात हो गई, माउथ के बाद अब हम आए हैं स्टमक में। स्टमक में फूड इंटर किया और गैस्ट्रिक ग्लैंड ने उसमें मिला दिया गैस्ट्रिक जूस। दैट मिक्सचर इज नोन एज काइम। माउथ में बोलस बोलते हैं, स्टमक में काइम कहते हैं, CHYME, काइम। गैस्ट्रिक जूस के अंदर क्या क्या होता है? गैस्ट्रिक जूस कंटेन्स HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्वेश्चन आता है एसिड बॉडी में कहाँ बनता है? स्टमक में। हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और इसमें एक चीज होती है पेप्सिनोजिन, पेप्सिनोजिन एक चीज होती है। और इसमें होता है म्यूकस। म्यूकस को तो काम ही है बॉडी में लुब्रिकेशन करना, ताकि सॉफ्ट तरीके से चीजें मूव करें। तो गैस्ट्रिक जूस में HCl है, पेप्सिनोजन है और म्यूकस है, ये तीन चीजें हैं। HCl का हमारी बॉडी में क्या फंक्शन है? अब अगला पॉइंट है फंक्शन ऑफ HCl, ये पहले लिखो फिर आगे बढ़े। तो स्टमक तक हम पहुंच गए, जहां फूड और गैस्ट्रिक जूस मिलकर काइम कहलाता है। गैस्ट्रिक जूस के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, पेप्सिनोजन और म्यूकस। क्वेश्चन आता है एसिड बॉडी में कहां पर बनता है? स्टमक में। और कौन सा एसिड है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ऑप्शन दे देगा, बॉडी में कौन सा एसिड बनता है? सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट पॉइंट, फंक्शन ऑफ HCl इन आवर बॉडी। फंक्शन ऑफ HCl, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बॉडी में आ जाएं उनको किल करना। आप गोलगप्पे की दुकान पे गए, तो गोलगप्पे वाले से आपने कहा, बरसात का मौसम है, बारिश का टाइम हो रहा है, तो गोलगप्पे वाले से कहा कि भैया लाओ जरा 10 के और 20 के। तो गोलगप्पे वाले ने पहले ऐसे ऐसे किया, से खुजलाया, फिर वैसे उसी हाथ से आपको गोलगप्पे बना के दे दे रहा है। मतलब कहने का ये है कि हर जगह तो हाइजीन वगैरह मेंटेन होता नहीं है, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो एयर, वाटर, जमीन हर जगह मौजूद है। तो फूड के द्वारा जो बाहर से आप चीजें खा पी रहे हो, उससे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो बॉडी में आ ही जाते हैं। HCl, नेचर ने इतना इंतजाम कर रखा है, नेचर ने HCl बॉडी में बना रहा है कि जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म आए, HCl उनको नेचुरली कंट्रोल कर ले, किल कर दे। पर आप मान ही नहीं रहे हो, गोलगप्पे भी 50 खा गए, फिर बगल में गए पेटीज भी 4 खा गए, फिर उसके बाद पेस्ट्री भी खा गए 10, और मौसम भी बरसात का, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज्यादा ग्रो करते हैं। आपने इतना ज्यादा इन्फेक्शन बढ़ा लिया बॉडी में कि HCl कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा, तो फूड पॉइजनिंग वगैरह होने लगेगी, फूड पॉइजनिंग वगैरह होने लगेगी आपको। फिर HCl अगर कंट्रोल नहीं कर पाएगा, हालांकि बॉडी पूरी कोशिश करती है कि वो खुद को कवर कर ले, खुद से एक नेचुरल मैकेनिज्म है आपको प्रोटेक्शन देने का, पर आप उसको ओवर लिमिट कर दोगे, ओवर बर्डन कर दोगे, तब कैसे बात बनेगी? तो एक फंक्शन तो हो गया टू किल, तो ये खुद ही बॉडी कोशिश करती है कंट्रोल कर ले, इन्फेक्शन से बचाए, पर आप मानने को तैयार नहीं हो। टू किल हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो HCl का एक काम तो हो गया टू किल हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। दूसरा काम, HCl माउथ से सलाइवरी, वो जो सलाइवा था माउथ के बाद जो फूड स्टमक में आया होगा, उसमें भी तो सलाइवा आया होगा, और सलाइवा के अंदर एंजाइम है सलाइवरी अमाइलेज। हाँ, स्टमक में उसका कोई काम नहीं है, उसको इनएक्टिवेट करने का काम करता है HCl। सलाइवरी अमाइलेज को इनएक्टिवेट कर देता है, जिससे फर्दर ब्रेकडाउन कार्ब का स्टमक में नहीं होगा, तो HCl उसको इनएक्टिवेट करता है। तो HCl का दूसरा काम है टू इनएक्टिवेट
सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम टू इनएक्टिवेट सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम टू प्रिवेंट फर्दर ब्रेकडाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन स्टमक में नहीं होता क्योंकि HCl उस एंजाइम को डीएक्टिवेट कर देता है या इनएक्टिवेट कर देता है। तो HCl हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करेगा, सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम को इनएक्टिवेट करेगा जिससे कार्ब का फर्दर ब्रेकडाउन हमारे स्टमक में ना हो। ठीक है, नेक्स्ट है पेप्सिनोजन। एक चीज थी, पेप्सिनोजन एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट हो जाता है पेप्सिन के अंदर। इन द एसिडिक मीडियम, इन द एसिडिक मीडियम पेप्सिनोजन कन्वर्ट्स इनटू, तो एसिडिक मीडियम क्या HCl है, तो HCl एसिडी तो है, तो इन द एसिडिक मीडियम पेप्सिनोजन कन्वर्ट्स इनटू पेप्सिन एंजाइम, पेप्सिन एंजाइम। और पेप्सिन एंजाइम का क्या वर्क है, स्टमक में प्रोटीन को ब्रेक करना, इसका फंक्शन है ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन, ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड्स। तो प्रोटीन का डाइजेशन कहां पर हो रहा है, आप आंसर क्या करेंगे, स्टमक में। तो HCl का क्या रोल, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करना, सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम को डीएक्टिवेट कर देना, कार्ब का ब्रेकडाउन स्टमक में कोई मतलब नहीं, एसिडिक मीडियम में पेप्सिनोजिन पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। पेप्सिन एक एंजाइम है जिसका काम है प्रोटीन को ब्रेक करने का। तो माउथ में एंजाइम है सलाइवरी अमाइलेज, स्टमक में एंजाइम है पेप्सिन। माउथ में सलाइवरी अमाइलेज और स्टमक में पेप्सिन एंजाइम। माउथ में वो स्टार्च को ब्रेक कर रहा है, स्टमक में पेप्सिन प्रोटीन को ब्रेक कर रही है। ठीक, और नेक्स्ट काम क्या है, सलाइवा आपका स्लाइटली एल्कलाइन था, बेसिक था, HCl एसिडिक है तो न्यूट्रल पीएच को भी मेंटेन कर रहा है, पीएच लेवल को भी मेंटेन कर रहा है। ये भी कह सकते हो HCl का काम क्या है, पीएच को मेंटेन करना। ये सब तो हमने बता ही दिया है, ये सब भी हो गया, पैरोटिड वगैरह सब बता दिए, ये कंप्लीट। पीएच बैलेंस को मेंटेन कर रहा है ये बताया, प्रोटीन का ब्रेकडाउन, चलो स्टोरी कंप्लीट। स्टमक के रीजन मैं अभी दिखा दे रहा हूं आपको कहां कहां पर है, कोई छोटा मोटा नोट तो नहीं मिस हुआ, सब कंप्लीट है, चेक कर सकते हो नोट से, सारा पढ़ चुके हो आप इसमें। अगले पॉइंट पर आते हैं। तो HCl का फंक्शन माइक्रो ऑर्गेनिज्म सलाइवरी अमाइलेज को इनएक्टिवेट करना, पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करना, और लास्ट पॉइंट पीएच को मेंटेन करना। क्योंकि HCl एसिडिक है, माउथ से आया सलाइवा, तो एसिड बेस को न्यूट्रल करने का काम कर रहा है, मतलब पीएच बैलेंस को मेंटेन कर रहा है, टू मेंटेन पीएच बैलेंस। स्टमक की कहानी कंप्लीट। इसके बाद फूड आगे बढ़ेगा, पहुंचेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसके बाद आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में यूरिक एसिड, अभी रुक जाओ। ब्लड के अंदर यूरिक एसिड वेस्ट है जिसको किडनी बाहर करती है निकाल के, वो आगे का टॉपिक, अभी आगे मत बढ़ो। कल जो आपका टेस्ट है ना, तो आप लोग चाहो तो टेस्ट तो आज रात के बाद एक्टिव हो जाएगा, आप चाहो तो 2 डेज के बाद देना, कल भी दे सकते हो, पर उसमें ब्लड वगैरह के कुछ क्वेश्चन अभी आपने नहीं पढ़े हैं, तो आप चाहो तो कल की क्लास के बाद दे देना या 1-2 क्लास के बाद दे दो। उसका लाइव डिस्कशन मैं 2 डेज के बाद ही कराऊंगा, उसका लाइव डिस्कशन 2 दिन के बाद ही करेंगे, तो टेस्ट तो लगातार एक्टिव रहता है, कभी भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो, 2 डेज के बाद करना। आप जो बाहर के स्टूडेंट है पहले पढ़ चुके हैं वो लोग कल दे सकते हैं, लाइफ साइंस जो पहले पढ़े हुए हैं वो कल से दे सकते हैं, आप लोग 2 डेज के बाद अटेम्प्ट करिएगा।
ठीक है, 20 तक मेरी कोशिश है कंप्लीट हो जाएगा। कल आईपी टॉपिक की क्लास कल नहीं है, कल सिर्फ लाइफ साइंस कराऊंगा मैं, और कल आपकी सारी क्लासें ऑफ हैं, कल केवल क्लास होनी है आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वाली, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वाली क्लास होनी है, और इंजीनियरिंग सर्विसेज वाला जो बैच है उसकी क्लास होगी मटेरियल साइंस। बाकी बीपीएससी में कल आपका पॉलिटी नहीं है, ईएस में ड्राइंग की क्लास नहीं है, मॉर्निंग जो हिस्ट्री चल रही है कल वो भी हिस्ट्री भी नहीं है कल, तो जो ब्रेक चाहिए कल आपको ब्रेक मिल जाएगा, लाइफ साइंस केवल चलेगा शाम में। 20 तक मेरी कोशिश है कंप्लीट हो जाएगा सही तरीके से ऐसे ही पढ़ते हुए, क्योंकि मुझे खुद अच्छा लग रहा है पढ़ाने में, तो मैं खुद इंजॉय कर रहा हूँ उस चीज़ को कि सब कुछ अच्छी तरीके से समझते हुए चलो, घड़ी देख कर पढ़ाई नहीं होती। ये हो गया कंप्लीट, अब हम आ जाएंगे इसके बाद कहाँ पहुंचा फूड, क्योंकि बैच तुम्हारा सही है, काफी बच्चे ऐसे हैं जो लाइव क्लास में ज्यादा से ज्यादा दिख रहे हैं मुझे, तो जब अच्छा पढ़ रहे हो तो कबाड़ा नहीं करना जल्दी जल्दी कवर करके, वो जैसे कोचिंग में होता है जल्दी सिलेबस खत्म करो बस, सिलेबस खत्म से गोल्ड मेडल नहीं मिलेगा। अब देखो यहां पर ये स्टमक है, स्टमक के बाद फिर आती है ऐसे गुच्चड़ मुच्चड़ सा दिखता है स्मॉल इंटेस्टाइन, इसी तरह की है ये, यहां लिख दे रहा हूं मैं, ये है स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन कनेक्ट होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन इस तरह से कनेक्ट होती है लार्ज इंटेस्टाइन से, लार्ज इंटेस्टाइन ऐसी दिखती है, लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो इस तरह की, ये लार्ज इंटेस्टाइन है। तो स्टमक के बाद फूड कहाँ गया, स्टमक के बाद फूड गया स्मॉल इंटेस्टाइन, इसके बाद फूड गया है स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये जो मसल है इसे, ये जो ओपनिंग है इसकी, इसको कहते हैं स्फिंक्टर मसल, स्फिंक्टर मसल। तो ये ओपन होगा, फूड जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, अब ध्यान रखें स्टमक के बाद फूड कहाँ गया है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर गया है, जो व्हाइट वाला पोर्शन दिख रहा है इसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन के एक तरफ कनेक्ट होता है पेनक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन से एक तरफ जुड़ा होता है पेनक्रियाज, ऐसे लीफ लाइक स्ट्रक्चर बना दे रहा हूं मैं, और इसके दूसरी तरफ होता है गाल ब्लेडर, ये मैंने बना दिया गाल ब्लेडर, और गाल ब्लेडर कनेक्ट होता है लीवर से, ये लीवर है, ये गाल ब्लेडर, ये वाला जो पोर्शन है दैट इज गाल ब्लेडर, और ये है पेनक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन से एक तरफ पेनक्रियास कनेक्ट है, एक तरफ गाल ब्लेडर कनेक्ट है, गाल ब्लेडर लीवर से कनेक्ट है, ठीक है। बस पार्ट जानने हैं कौन कौन से पार्ट हैं बॉडी में, एग्जैक्ट बनाने की जरूरत थोड़ी है, और स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन से कनेक्टेड होती है, इसको बढ़ाकर यहां तक कर लो, ये आपस में कनेक्टेड होती हैं। तो फूड इस इंटर स्टमक के बाद गया है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन के एक तरफ पेनक्रियास, एक तरफ गाल ब्लेडर, गाल ब्लेडर से कनेक्टेड होता है लीवर, ठीक है। अब हम आ गए स्मॉल इंटेस्टाइन तक, तो स्मॉल स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्टेड एक तरफ पेनक्रियास, एक तरफ गाल ब्लेडर, गाल ब्लेडर से कनेक्टेड होती है लीवर। अब सुनो ध्यान से, तो अब हम पहुंच गए स्मॉल इंटेस्टाइन,
एससीएल का फंक्शन ये सब हो गया, अब स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या रोल है वो देखें। स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड, स्टमक के बाद फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, एक तरफ जुड़ा है पेनक्रियाज, पेनक्रियाज एक ग्लैंड है, वो इसमें मिक्स कर देगा पेनक्रियाटिक जूस, दूसरी तरफ है गाल ब्लैडर, गाल ब्लैडर इसमें ऐड करेगा बाइल जूस, बाइल वर्ड कल आया था, डेड आरबीसी को यूज करके लीवर बनाता है बाइल और स्टोर करता है गाल ब्लेडर में, डेड आरबीसी को यूज करके लीवर बनाता है ग्रीन येलोइश कलर का फ्लूड जो एक बेसिक एल्कलाइन फ्लूड होता है, लीवर उसको बनाता है और गाल ब्लेडर में स्टोर करता है। तो जैसे मान लो स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन ये है, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन ये है, इसमें एक तरफ लगा है पेनक्रियास और एक तरफ लगा है गाल ब्लैडर, ऐसे ये स्मॉल इंटेस्टाइन है जिसके एक तरफ गाल ब्लैडर एक तरफ पेनक्रियास, पेनक्रियास ने ऐड कर दिया पेनक्रियाटिक जूस, गाल ब्लैडर ने ऐड कर दिया बाइल जूस, इस मिक्सचर में अब वो सारी चीज़ें मौजूद हैं जो डाइजेशन को पूरा कर देंगी, इसके पास अब वो सारी चीज़ें हैं जो डाइजेशन को पूरा कर देगा, क्योंकि पेनक्रियाटिक जूस कंटेन करता है ट्रिप्सिन एंड लाइपेज एंजाइम, ये दोनों एंजाइम है इसके पास। ट्रिप्सिन का काम है जो बचा खुचा प्रोटीन रह गया है स्मॉल इंटेस्टाइन में ब्रेक करना, ये करता है हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, तो पेप्सिन स्टमक में प्रोटीन को डाइजेस्ट कर रहा है, ट्रिप्सिन स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो बचा खुचा प्रोटीन रह गया है उसको डाइजेस्ट कर देता है, और लाइपेज फैट जो है लिपिड का ही फॉर्म है, फैट लिपिड का ही फॉर्म है, और लिपिड वर्ड से सिमिलर वर्ड लाइपेज दिख रहा है आपको, फैट लिपिड का ही रूप है और लाइपेज वर्ड में भी लिप वर्ड आ रहा है, इसका मतलब लाइपेज एंजाइम जो है ये करता है फैट का डाइजेशन, helps in digestion of fat, तो food, pancreatic juice और bile, pancreatic juice में trypsin और lipase ये दो enzyme हैं, trypsin बचे खुचे protein को break करा देगा, lipase fat को break करा देगा, bile juice में कोई enzyme तो नहीं है पर fat के digestion में help करता है, बाइल जूस कंटेन्स नो एंजाइम बट इट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फैट्स, तो बाइल कंटेन नो एंजाइम बट इट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फैट, और फूड पेनक्रियाटिक जूस और बाइल जूस इन सबको मिलाकर क्या कहते हैं, इन सबको मिलाकर कहते हैं काइल, फूड पेनक्रियाटिक जूस और बाइल जूस को मिलाकर बोलते हैं काइल, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फूड होता है उसको काइल कहते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन स्मॉल होती नहीं है, उसकी लेंथ अगर देखोगे तो स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ ज़्यादा होती है, 7.5 मीटर होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ है वो 7.5 मीटर होती है, डायमीटर की वजह से स्मॉल या लार्ज बोला जाता है, स्मॉल या लार्ज जो हम कहते हैं वो डायमीटर की वजह से कहते हैं, ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ है लेंथ होती है 7.5 मीटर,
लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ 1.5 मीटर होती है, पर लेंथ की वजह से स्मॉल लार्ज थोड़ी कहते हैं, स्मॉल लार्ज बोलते हैं डायमीटर की वजह से। स्मॉल इंटेस्टाइन का डायमीटर कम होता है, पतली पाइप होती है, लार्ज इंटेस्टाइन मोटी होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन पतली है, डायमीटर कम है, लार्ज वाले का डायमीटर ज्यादा है। तो लेंथ की वजह से स्मॉल या लार्ज नहीं, डायमीटर की वजह से स्मॉल या लार्ज कहते हैं, ठीक है। तो फूड, पेनक्रियाटिक जूस और बाइल, ये सारा मिक्सचर मिलके काइल कहलाता है। पेनक्रियाटिक जूस में दो एंजाइम ट्रिप्सिन और लाइपेज जो प्रोटीन और डाइजेशन फैट का पूरा करा देंगे। बाइल के अंदर एंजाइम तो नहीं है पर फैट का डाइजेशन में रोल प्ले करता है, क्योंकि बाइल के अंदर सॉल्ट्स वगैरह है, सॉल्ट्स वगैरह है जो मदद करते हैं, और ये मिक्सचर को काइल कहते हैं। डाइजेशन प्रोसेस स्मॉल इंटेस्टाइन में ही कंप्लीट हो जाता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन पार्ट होते हैं। डाइजेशन प्रोसेस इवन एब्जॉर्प्शन भी, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन प्रोसेस कंप्लीट्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन। डाइजेशन एब्जॉर्प्शन कंप्लीट हो जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन जो टोटल लेंथ है उसको थ्री पार्ट में डिवाइड किया गया है। स्मॉल इंटेस्टाइन हैज थ्री पार्ट्स। एक वर्ड याद कर लो, डीजे इंडियन, DJI। स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन पार्ट क्या क्या होते हैं, डीजे इंडियन वर्ड लिख लो, DJI, ड्यूडेनम, जेजेनम एंड इलियम। ड्यूडेनम, जेजेनम, इलियम, इलियम इनमें लॉन्गेस्ट होता है, ड्यूडेनम स्मॉलेस्ट होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन की भी जो पूरी लेंथ है उसको थ्री पार्ट में डिवाइड किया गया है, DJI, ड्यूडेनम, जेजेनम एंड इलियम, जिसमें ड्यूडेनम सबसे छोटी और इलियम सबसे लंबी। स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन पार्ट हैं, ड्यूडेनम, जेजेनम, इलियम, स्मॉलेस्ट एंड लॉन्गेस्ट। स्मॉल इंटेस्टाइन अंदर से दिखती कैसी है, अगर मैं इस पाइप को जूम करके दिखाऊं आपको, पहले ये देख लो ये कंप्लीट है। तो डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरा हो जाता है, यहां पर ये प्रोसेस पूरी हो जाती है। और स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, जेजेनम एंड इलियम। नेक्स्ट वर्ड है स्मॉल इंटेस्टाइन अंदर से ऐसी दिखती है, ये पाइप है पर अंदर से बिल्कुल फ्लैट पाइप नहीं होता, ये ऐसा फ्लैट नहीं होता, अंदर से ये इस तरह से होता है, ऐसे माउंटेन से बने हुए हैं, जिससे फूड ज्यादा देर तक इसमें मूव करे, सरफेस एरिया ज्यादा हो जाए। अंदर से स्मॉल इंटेस्टाइन ऐसी होती है, इसको कहते हैं विली, इसको विली कहते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का अंदर का जो पार्ट है ये आपको ऐसा दिखेगा, इसको विली कहते हैं। और फिर ये विली ब्लड वेसल से कनेक्ट होते हैं, जो चीज सिंपल चीज में टूटती जाती है वो फिर ब्लड वेसल्स में मिक्स हो जाती है और ब्लड में चली जाएगी, तो ब्लड से बॉडी के जिस पार्ट को जाना है वहां पहुंच जाएगा। डाइजेशन प्रोसेस पूरा हो गया, कॉम्प्लेक्स चीजें सिंपल में टूट गई, अब वो सिंपल चीजें ब्लड वेसल्स के द्वारा बॉडी में चली जाएंगी ब्लड में, और ब्लड से पूरे बॉडी को चली जाएंगी। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये सरफेस एरिया ज्यादा हो उसके लिए ऐसे माउंटेन लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, इनको विली कहते हैं, जिससे फूड ज्यादा देर तक इसमें रहे। तो फूड कैसे मूव करेगा, इस तरह से फूड भी ज्यादा देर तक इसमें रहेगा तो डाइजेशन अच्छे से होगा, पूरा डाइजेशन होगा। और जो ब्रेकडाउन हो गया, सिंपल सब्सटेंस बन गए, वो ब्लड वेसल्स में द्वारा ब्लड में आ गए, और ब्लड में आने के बाद तो कोई दिक्कत नहीं, ब्लड का काम ही है पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन कराने का, जिसको जहां भेजना है ब्लड उसको वहां भेज देगा, ब्लड का काम है ट्रांसपोर्टेशन करना। ब्लड का टॉपिक कल आएगा तब हम बात करेंगे। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन तक की कथा पूरी। तो डाइजेशन प्रोसेस और एब्जॉर्प्शन प्रोसेस स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरा हो जाता है, और जो चीजें डाइजेस्ट हुई हैं, ब्रेक हुई हैं, सिंपल सब्सटेंस में टूट गई हैं, ब्लड वेसल्स के द्वारा ब्लड में आ जाएंगी और ब्लड से बॉडी के पूरे पार्ट को पहुंच जाएंगी, ठीक।
तो ये जो माउंटेन लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, सीधी सीधी पाइप नहीं होती है, ऐसी पाइप होती है। लास्ट आपका बचा लार्ज इंटेस्टाइन। अब इसमें कुछ बचा ही नहीं है, खाली वेस्ट मैटर बचा है और वाटर बचा है, केवल इसमें बचा है वेस्ट मैटर और वाटर। तो अब आ गई लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन हैज नो रोल इन डाइजेशन, हैज नो रोल इन डाइजेशन। इट कैरी वेस्ट मैटर एंड वाटर, वाटर को एब्जॉर्ब करता जाएगा। तो फंक्शन क्या है? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, वेस्ट को बाहर करेगा। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड एक्सक्रीशन ऑफ सॉलिड वेस्ट, एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट मैटर। वाटर को एब्जॉर्ब करना, वेस्ट को बॉडी से बाहर करना, ये इसका काम है। तो लार्ज इंटेस्टाइन डाइजेशन में रोल प्ले नहीं करती, ये वेस्ट मैटर और वाटर को कैरी करती है, वाटर को एब्जॉर्ब करते जाती है और वेस्ट मैटर को बाहर कर देती है। वाटर को एब्जॉर्ब करते जाती है और वेस्ट मैटर को बाहर कर देती है। लार्ज इंटेस्टाइन के भी तीन पार्ट होते हैं, सीकम, कोलोन एंड रेक्टम, और 1.5 मीटर लंबी होती है। लार्ज इंटेस्टाइन लेंथ है 1.5 मीटर। इसके थ्री पार्ट्स के नाम होते हैं सीकम, कोलोन एंड रेक्टम। सीकम, कोलोन एंड रेक्टम, इनमें लॉन्गेस्ट होती है कोलोन, लॉन्गेस्ट है कोलोन। तो लार्ज इंटेस्टाइन डाइजेशन में रोल प्ले नहीं करती, वेस्ट मैटर और वाटर को कैरी करती है, वाटर का एब्जॉर्प्शन, वेस्ट मैटर को बाहर करना। लार्ज इंटेस्टाइन के तीन पार्ट सीकम, कोलोन, रेक्टम। सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट और लार्जेस्ट पार्ट की बात करें, कोलोन की लेंथ सबसे ज्यादा, कोलोन की लेंथ सबसे ज्यादा है इसमें। और रेक्टम जो होती है वो एनस से कनेक्ट होती है, रेक्टम के बाद सीधे एनस आता है। ठीक है, तो डाइजेशन प्रोसेस यहां पर पूरा कंप्लीट। अब इसका मैं डायग्राम पहले आपको दिखाऊं, पहले इसका डायग्राम देखिए। स्टमक जो होता है, स्टमक के अंदर तीन लेयर होती हैं, तीन पार्ट होते हैं, उनके नाम क्या क्या हैं, क्वेश्चन आ जाता है ये भी। स्टमक के तीन पार्ट कौन कौन से हैं, ये क्वेश्चन है। तो स्टमक के तीन पार्ट हैं, एक है कार्डिया, स्टमक के भी तीन पार्ट हैं, कार्डिया, फंडस, पाइलोरिक। कौन कौन है देखो, यहां पर ये जो अंदर का पार्ट है ये वाला, इसको कार्डिया बोलते हैं। स्टमक के तीन पार्ट, ये जो एरो जा रहा है ये वाला, ये ब्लैक वाला ये पार्ट, ये एरो है कार्डिया। इसके बाहर की जो लेयर है, ये बाहर वाली, इसको बोलते हैं फंडस। अंदर वाली जो लेयर है, अंदर का जो पोर्शन है, कार्डिया,
ये ऊपर पिंक वाला हल्का सा पिंक ऊपर फंडस, और तीसरी है पाइलोरिक, तीसरा वर्ड है पाइलोरिक वर्ड, पाइलोरिक। तो स्टमक के तीन पार्ट, कार्डिया, फंडस, पाइलोरिक। ये सेरोसा, म्यूकोसा वगैरह भी हैं, जरूरत नहीं है, बस ये तीन नाम ध्यान रखो, कार्डिया, फंडस एंड पाइलोरिक, खत्म हो गई बात। जो मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाया उसका डायग्राम ये देखो, एनसीईआरटी का डायग्राम है ये। माउथ, यहां से फूड गया, टंग के नीचे सलाइवा बनाने वाली ग्लैंड का नाम ये है, सब मैक्सिलरी एंड सब लिंगुअल। उसके बाद एक कान के पास ग्लैंड है, पैरोटिड। ओरल कैविटी मतलब बकल कैविटी, बकल या ओरल कैविटी, एनसीईआरटी का डायग्राम है, गूगल पे मिल जाएगा आपको। तो टंग के नीचे सब मैक्सिलरी या सब लिंगुअल ग्लैंड होती है, यहाँ कान के पास पैरोटिड ग्लैंड है, सलाइवा बनाएगी, ये पाइप है ऑइसोफेगस, यहां पर फूड आएगा, इसके बाद स्टमक में आया, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, ये जो दिख रही है बीच में स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से एक तरफ पेनक्रियाज, एक तरफ गाल ब्लैडर, गाल ब्लैडर मिला देगा बाइल जूस, पेनक्रियाज मिला देगा पेनक्रियाटिक जूस, स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन पूरा होगा। उसके बाद ये जो किनारे किनारे है ये लार्ज इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन में अब देखो किस तरह से ये पार्ट देखोगे तो स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन जुड़ी हुई है, स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन यहाँ जुड़ी हुई है, इस तरह से वेस्ट और पानी ऐसे मूव करता है, ऐसे आएगा, ऐसे ऊपर की तरफ जाएगा, ऐसे इस तरीके से। तो यहाँ से जब आएगा शुरुआती पार्ट को सीकम कहते हैं, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स से बिल्कुल नीचे, अपेंडिक्स के बाद सीकम, सीकम के बाद ये पोर्शन जो है यहाँ तक कोलोन कहते हैं इसको, इसको बोलते हैं एसेंडिंग कोलोन, ऊपर जाती हुई कोलोन, एसेंडिंग कोलोन का मतलब है ऊपर जाती हुई कोलोन, फिर फ्लैट ऐसे ट्रांसवर्स कोलोन कहते हैं इसको, कोलोन ही है, कोलोन के तीन पार्ट, ऊपर जाती हुई, फ्लैट, फिर नीचे आती हुई कोलोन, तीनों पार्ट कोलोन है। तो सबसे लंबा पोर्शन कोलोन ही तो बताया मैंने, एसेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, और कोलोन जहां खत्म हो रही है ये है रेक्टम, और रेक्टम से जुड़ा है एनस, एनस के रास्ते वेस्ट बाहर, क्लियर है? तो लार्ज इंटेस्टाइन ये रेड वाला पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन में वेस्ट मैटर वाटर गया, लार्ज इंटेस्टाइन वाटर को एब्जॉर्ब करते गई, वेस्ट को आगे बढ़ाती गई, इस तरह से वेस्ट ऊपर की तरफ गया फ्लैट, फिर ऐसे नीचे की तरफ एनस के रास्ते बाहर, वाटर एब्जॉर्ब होता गया, वेस्ट को बाहर करता गया, ठीक। फिर हमने फूड इंटेक किया, फूड में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन माउथ में सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम ने कर दिया, फूड गया स्टमक में, वहाँ गैस्ट्रिक ग्लैंड है, गैस्ट्रिक जूस बनाया, उसमें एससीएल है, एससीएल ने हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर दिया, माउथ से आने वाले सलाइवा को न्यूट्रल कर दिया, सलाइवरी अमाइलेज को डीएक्टिवेट कर दिया, और पेप्सिनोजन गैस्ट्रिक जूस में जो चीज मौजूद थी पेप्सिनोजन को पेप्सिन एंजाइम में बदला, पेप्सिन एंजाइम में स्टमक में प्रोटीन को ब्रेक करने का काम किया। उसके बाद मैटर गया स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन पार्ट, ड्यूडेनम, जेजनम, इलियम, स्मॉल इंटेस्टाइन से एक तरफ है पेनक्रियास, एक तरफ कनेक्टेड है गाल ब्लैडर, गाल ब्लैडर ने स्मॉल इंटेस्टाइन में डाला बाइल जूस जो लीवर ने बनाया था डेड आरबीसी की मदद से, पेनक्रियास ने मिलाया पेनक्रियाटिक जूस, पेनक्रियाटिक जूस में ट्रिप्सिन और लाइपेज एंजाइम है, ट्रिप्सिन प्रोटीन को ब्रेक करेगा, लाइपेज फैट को ब्रेक करेगा, बाइल में कोई एंजाइम नहीं है पर वो फैट को ब्रेक करने में हेल्प करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में सारा डाइजेशन सारा एब्जॉर्प्शन पूरा,
स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर लाइनिंग को कहते हैं विली, वहां से फिर मैटर ब्लड में चला जाता है, जिस पार्ट में जाना है पहुंच जाएगा। सिर्फ बचा वेस्ट मैटर और वाटर, वो गया लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन वाटर को एब्जॉर्ब करते गई, वेस्ट को आगे बढ़ाते गई, और एनस के रास्ते वेस्ट वेस्ट मैटर बाहर। क्या पूरी तरह समझ आ गया? डाइजेशन पूरी तरह से क्लियर है बात? तो ये ट्रांसवर्स कोलोन ये सब कुछ है नहीं, कोलोन के ही नाम लिख रहा है। ऊपर जाती हुई कोलोन को असेंडिंग कह दिया, फ्लैट हो गई तो ट्रांसवर्स कह दिया, ऐसे आई तो डिसेंडिंग कह दिया, कुछ और नहीं कोलोन ही है। लार्ज इंटेस्टाइन के तीन ही टाइप हैं, तीन पार्ट होते हैं, सीकम कोलोन रेक्टम, बस सीकम कोलोन रेक्टम यही तीन पार्ट होते हैं। ठीक है, चलो ये सारी कथा समाप्त। कैटल के अंदर डाइजेशन में हल्का सा एक अंतर आ जाता है, थोड़ा सा एक पॉइंट वो भी समझ लो, तो ये पूरी कहानी यही कंप्लीट हो जाएगी। स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ गुड बैक्टीरिया भी होते हैं जो मैंने बताया था डाइजेशन में हेल्प करते हैं, ये भी एक लाइन जरा नोट कर लो। स्मॉल इंटेस्टाइन ऑल्सो कंटेन्स सम गुड बैक्टीरिया, स्मॉल इंटेस्टाइन ऑल्सो कंटेन्स सम गुड बैक्टीरिया लाइक कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया, दही में होता है लैक्टोबेसिलस, फर्मेंटेशन करते हैं ये जिससे डाइजेशन अच्छा हो। कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया है, लैक्टोबेसिलस है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन्स सम गुड बैक्टीरिया, कॉलीफॉर्म लैक्टोबेसिलस हेल्प्स इन डाइजेशन एंड विटामिन बी सिंथेसिस, ये हेल्प करते हैं डाइजेशन में एंड विटामिन B12 सिंथेसिस। B12 तो बता चुका हूं मैं, B12 ऑलरेडी हम बता चुके हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन गुड बैक्टीरिया कंटेन करती है जैसे कोलीफॉर्म लैक्टोबेसिलस, लैक्टोबेसिलस किस में है कर्ड में, दही में होता है, और डाइजेशन को भी इम्प्रूव करता है, साथ साथ ये विटामिन B12 सिंथेसिस में भी हमें मदद करता है। आगे बढ़े तो ह्यूमन डाइजेशन की बात खत्म। कैटल में क्या होता है? कैटल में हल्का सा ध्यान रखो, कैटल के स्टमक में पेप्सिन के अलावा एक और एंजाइम होता है रेनिन, उसको काइमोसिन भी कहते हैं। कैटल के अंदर स्टमक में क्या होता है? एक और एंजाइम होता है रेनिन। देखो यहाँ लिख दिया है मैंने, दोबारा से नोट नहीं कर रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है, यही मार्क कर दे रहा हूं मैं इसको। एक एंजाइम है रेनिन, कैटल के अंदर पेप्सिन के अलावा रेनिन एंजाइम भी होता है जो प्रोटीन को ब्रेक करता है, तो इसको रेनिन या काइमोसिन कह देते हैं। ये स्पेलिंग है देखो, रेनिन या काइमोसिन, ये स्पेलिंग है। तो कैटल के अंदर रेनिन या काइमोसिन नाम का एंजाइम है, कैटल के स्टमक में होता है, ह्यूमन में नहीं होता। कैटल के स्टमक में होता है, ह्यूमन में नहीं होता। पेप्सिन और रेनिन कैटल्स के अंदर प्रोटीन डाइजेशन में मदद करते हैं। पेप्सिन और रेनिन दोनों ही कैटल के अंदर प्रोटीन डाइजेशन में रोल प्ले करते हैं। तो रेनिन और काइमोसिन एक एंजाइम है जो कैटल्स के अंदर है, ह्यूमन में नहीं है, और ये प्रोटीन डाइजेशन में कैटल में रोल प्ले करता है। अलग से लिखूं? फिर से यहां लिख लो चाहे तो, रेनिन या काइमोसिन, काइमोसिन एब्सेंट इन ह्यूमंस, प्रेजेंट इन कैटल्स, काउ वगैरह में होता है, प्रेजेंट इन कैटल्स। तो पेप्सिन एंड रेनिन हेल्प्स इन प्रोटीन डाइजेशन इन कैटल्स, कैटल में
डाइजेशन में रोल प्ले करता है। तो रेनिन और काइमोसिन एंजाइम है, एंजाइम स्मॉल इंटेस्टाइन में B12 बनता है हर्ष, कल ही पढ़ाया है अभी, विटामिन टॉपिक जब पढ़ाया है उसमें बताया हुआ है, फिर कंफ्यूज हो रहे हो। विटामिन B12 तीन विटामिन बॉडी खुद बनाती है, D, K and B12 विटामिन पे पढ़ाया हुआ है, बीच बीच में लेक्चर करोगे तो पुरानी क्लास से फिट आउट आएगा ही। रेनिन और काइमोसिन एक एंजाइम है जो कैटल में है, ह्यूमन में नहीं है, और पेप्सिन के अलावा रेनिन, ये दोनों मिलकर कैटल में प्रोटीन ब्रेक करते हैं, कैटल के अंदर प्रोटीन डाइजेशन में रोल प्ले करते हैं। चलो ये कंप्लीट। अब कैटल का डाइजेशन किस तरह से होता है, थोड़ा सा अलग। कैटल में आपने देखा है कि वो खाली बैठे हैं तो भी मुंह चला रहे हैं, कैटल जो होते हैं वो कुछ खाते नहीं हैं। तो हर्ष मुझे क्यों बता रहे हो, मुझे उल्टा रिवीजन करवा रहे हो क्या? अगर आपको पता है तो मुझे क्यों बता रहे हो, उल्टा मुझे रिवीजन करवा रहे हो? क्लास में बताने क्या मीनिंग है, जो डाउट है वो पूछो ना। अब सारा कंटेंट बताओगे फिर से तो मतलब क्या उसका? मैं ये कह रहा हूँ आपसे, कुछ कह रहा था मैं, एक सेकेंड। हाँ, कैटल खाली बैठा है तो भी मुंह चलाता रहता है, उसको बोलते हैं कैटल में चीऊ द कड, एक वर्ड आता है चीऊ द कड, क्लियर है? लगातार मुंह चलाते रहते हैं, चीऊ द कड वर्ड आता है, क्या मतलब है उसका? तो ये कैटल स्टमक होता भी कहाँ पे है, ये एंजाइम स्टमक लिख लो, ये एंजाइम होता भी कहाँ पर है, रेनिन वाला स्टमक में, किस पार्ट, ये भी पूछ बैठे, काम क्या है, किस में होता है और कहाँ पर होता है, स्टमक में होता है, कैटल्स में स्टमक में होता है, प्रोटीन डाइजेशन में रोल प्ले करता है, रेनिन या काइमोसिन। अब मैं आपको बता रहा हूँ कैटल के बारे में। कैटल के स्टमक में चार चैम्बर होते हैं, टोटल उसमें चार चैम्बर होते हैं, कैटल स्टमक जो होता है उसके होते हैं 4 चैम्बर्स, रूमेन, रेटिकुलम, ओमेसम एबोमेसम। तो कैटल के अंदर ये चार चैम्बर हैं, रूमेन, रेटिकुलम, ओमेसम एंड एबोमेसम। रूमेन के वर्ड से ही कैटल को रूमिनेंट भी कहा जाता है, कैटल को रूमिनेंट भी कहते हैं। रूमिनेंट का क्या मतलब, क्वेश्चन आ जाए रूमिनेंट से रिलेटेड, रूमिनेंट वो होते हैं जिनके अंदर रूमेन चैम्बर होता है, उनको रूमिनेंट भी कहते हैं। गाय, भैंस, बकरी, ऊंट, साढ़, बैल, ये सब, उनमें क्या कैटल या रूमिनेंट कहते हैं रूमेन चैम्बर होने के नाते। इनमें क्या होता है, इन्होंने ग्रास खाया या कोई लीफ खाई, तो उसको जब खाते हैं तो फर्स्ट टाइम में वो पूरी तरह से ब्रेक नहीं हो पाता, हार्ड होता है ना, स्टेम खा लिया मान लो एलिफेंट ने, अब वो तुरंत ब्रेक नहीं होगा, बहुत अच्छी तरह से उसको चबा नहीं पाते। तो जो वो मैटर खाते हैं वो पार्शियली च्यूड होता है, पार्शियली चबाया गया होता है, जो मैटर ये कैटल खाते हैं फर्स्ट टाइम में ये खाते हैं पार्शियली, पार्शियली च्यूड मटेरियल, और ये मटेरियल जाता है पहले चैम्बर रूमेन में। रूमेन के अंदर होते हैं मिलियंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, रूमेन फिल्ड विद मिलियंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वहां पे होता है फर्मेंटेशन, फिल्ड विद मिलियंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो ये पार्शियली च्यूड मटेरियल जो है ये जाता है रूमेन में, यहां होता है फर्मेंटेशन और उसकी बनती है बॉल्स, फर्मेंटेशन हो जाता है और वो मैटर की बनती है बॉल्स, फिर ये माउथ में आता है कैटल के और कैटल उसको फिर से चबाता है, चबा चबा के उसको और पतला और फाइन कर देता है, फिर वो बाकी तीनों चैम्बर में जाता है। दो बार मूवमेंट हो रही है, पहले उसने पार्शियली च्यूड मटेरियल खाया, रूमेन में गया, रूमेन में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है,
तो फर्मेंटेशन टेक्स प्लेस, तो फिल्ड विद मिलियन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो पार्शियली च्यूड मटेरियल फर्मेंटेशन टेक्स प्लेस हियर, पार्शियली च्यूड मटेरियल गेट्स फर्मेंटेड एंड कन्वर्ट इंटू बॉल्स नोन एज कड, नोन एज कड, पार्शियली च्यूड मटेरियल नोन एज कड, इस कड को दोबारा चबाते हैं, च्यू द कड वर्ड यूज करते हैं इसलिए। तो रूमेन के अंदर मिलियन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, यहां पर पार्शियली चबाया गया मटेरियल जो पहली बार खाया वो इसमें आया, फर्मेंटेशन हो गया और कड में कन्वर्ट हो गया। तो कैटल च्यू दिस कड अगेन, कैटल्स च्यू दिस कड अगेन एंड देन इट इंटर इन टू अदर थ्री चैम्बर एंड देन इट इंटर इन टू अदर थ्री चैम्बर्स। आया समझ? तो जब वो कोई मैटर खा रहे हैं, ग्रास खा रहे हैं, तो पार्शियली वो पार्शियली चबाया होता है, ठीक तरीके से चबाते नहीं है, वो सीधे चला जाता है बॉडी में, रूमेन में चला जाएगा, रूमेन में उनका फर्मेंटेशन होगा, कड बनेगी, कड माउथ में, फिर दोबारा उसको चबाते रहते हैं, उसके बाद वो बाकी तीनों चैम्बर में जाता है। तो च्यू द कड वर्ड यूज करते हैं इसके लिए। तो रूमेन के अंदर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो पार्शियली चबाए गए मटेरियल को फर्मेंटेशन करते हैं और उसको कड बना देते हैं, बॉल्स लाइक स्ट्रक्चर कड बना देते हैं, कड दोबारा से कैटल चबाता रहता है, बैठे बैठे जुगाली करता है, दोबारा कड को और ब्रेक करता रहता है, उसके बाद बाकी तीनों चैम्बर में जाता है, उसके बाद बाकी तीनों चैम्बर में चला जाएगा। ये लिखना है, लिखो, फिर हम आगे बढ़े। ज्यादा पढ़ लिया आज? और एक और क्वेश्चन बन जाता है, जितने चैम्बर हैं कैटल के स्टमक में, इनमें सबसे बड़ा चैम्बर रूमेन, इनमें सबसे बड़ा जो है वो भी यही है, लार्जेस्ट चैम्बर रूमेन जो है इनमें लार्जेस्ट है। रूमेन जो है लार्जेस्ट है और रूमेन चैम्बर के नाते ही इनको रूमिनेंट कहते हैं, रूमेन के नाते ही रूमिनेंट कहते हैं। कुमार गौतम का सर दर्द हो रहा है, इतनी मेहनत किए हो, लगातार 2 घंटे से बोल रहे, थक गई होगे, 2 घंटे से लगातार बोल रहे हो, खड़े खड़े थक तो गई होगे, उम्र भी तुम्हारी मेरे से ज्यादा हो चुकी है। देखो अभी देखो, ग्रास खा रहा है, निक ने जो लिखा है ग्रास ग्रेजिंग, ग्रास खाया, ग्रास खाने के बाद पार्शियली उसको चबा पाया है और सबसे पहला ग्रीन कलर की लाइन जो दिख रही है ये चैम्बर है रूमेन नंबर वन, यहाँ पहुंच गया रूमेन, ये रहा, यही रूमेन है, ये बड़ा सा बैग दिख रहा है, इस बैग में मिलियंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो यहाँ पर इसको ये रूमेन में आया, फर्मेंटेशन हुआ, इसके बाद बनी कड, उसको दोबारा से जुगाली करता रहेगा, चबाता रहेगा और फिर भेज देगा इनमें बाकी तीन चैम्बर में, बाकी तीन चैम्बर ओमैसम रेटिकुलम एबोमैसम। हो गई कथा कंप्लीट? पार्शियली चबाया, रूमेन में भेजा, रूमेन में फर्मेंटेशन हो गया, बन गई कड और उस कड को बाकी फिर तीन हिस्सों में ब्रेक करके फिर पहुंचाया। ठीक है।
ठीक है, चलो तो ये सब कंप्लीट। ब्लड का टॉपिक हमें कल शुरू करना है। ठीक है, अब कल हम शुरू करेंगे ब्लड वाला टॉपिक। क्लास होगी और टेस्ट आप 2 डेज के बाद दे देना। आप टेस्ट ओपन हो जाएगा आज रात से ही। आप लोग कल कल तो छोड़ के ट्यूसडे को चाहे तो अटेम्प्ट कर लेना। ब्लड वाला टॉपिक मैं खत्म करा दूं उसके बाद। ठीक है क्लास, थैंक यू, गुड नाइट, गुड नाइट ऑल ऑफ यू। अब कल आपकी एप्टी की क्लास नहीं है, कल भी 2 घंटे पूरी चलेगी क्लास। एप्टी जिस दिन हो रहा है उस दिन मैं 1.5-2 घंटे ही पढ़ाता हूँ। कल भी एप्टी नहीं है, कल भी 2 घंटे पूरी क्लास चलेगी। कल आपकी और भी क्लासेस नहीं है तो हिस्ट्री हिस्ट्री वगैरह भी कल नहीं है, पॉलिटी नहीं है और बैचेस में, तो कल लाइफ साइंस ही चलेगा 2 आवर 2 आवर 15 मिनट के आसपास। ठीक है क्लास, थैंक यू, थैंक यू ऑल ऑफ यू, गुड नाइट। समझ में ठीक से सब आया? पहले ये बताओ, एक बड़ा टॉपिक था डाइजेशन का, क्वेश्चन हर बार आता है इससे, हर एग्जाम में पूछता है। क्या समझ ठीक से आया है डाइजेशन, या बायो टफ लग रही है? सिंपल ही चल रहा है, टफ तो नहीं लग रहा है? आज का टॉपिक टफ तो नहीं लगा किसी को? बिल्कुल आराम से पढ़ा है इसीलिए कि किस स्टेप। ठीक है क्लास, थैंक यू, थैंक यू ऑल ऑफ यू।